सर एक बार बताओ अब आप कई पॉडकास्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल है एंड टू सम डिग्री मेरे को ऐसा लगता है लोगों को ये बात शायद इतनी क्लियरली समझ नहीं आती कि आप सेक्सोलॉजिस्ट नहीं यूरोलॉजिस्ट हो इज दैट राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेर थिंग्स आर तो फर्स्ट थिंग दैट आई टू थिंगट हेयर ऑन दिस चैनल इज आई एम अ यूरोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स हु आर स्पेशली ट्रेन इन मैनेजिंग मेन्स प्रॉब्लम्स एंड दीज प्रॉब्लम्स कैन बी मेडिकल और सर्जिकल एंड वी यूरोजिस्ट है तो हम आपको उसका अच्छा इलाज दे पाएंगे mm. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे देश में सिर्फ मैं यूरोजिस्ट हूँ mm. इस देश में लाखों यूरोजिस्ट है लाखों तो नहीं हजारों तो है एंड दीज गाइज हैव डन ट्रेनिंग फ्राम ऑल इंडिया जैसे मैथ चंडीगढ़ पी जी आई से mm. प्रीमियम कॉलेज है नंबर वन कॉलेज है इंडिया का एम्स है पी है और बड़े बड़े कॉलेज सी एम सी वेल्लोर है जी पी है तो अगर आपको सेक्शुअल प्रॉब्लम है और आप कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हो एक सेफ स्पेस ढूंढ रहे हो मतलब आप चाह रहे हो कि इतनी नॉइज़ में जहाँ सब हर कोई क्या कोई कह रहा वैगरा अच्छा है कोई कह रहा वगैरह नहीं है कोई कह रहा है अच्छी खा लो कोई कह रहा है इतनी जो उस नॉइज़ है उस नॉइज़ में अगर आपको प्रॉपर सेफ नॉलेज चाहिए या अपने प्रॉब्लम का प्रॉपर सेफ इलाज चाहिए तो देन यू शुड लुक एट अ यूरोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट जो यूरोलॉजिस्ट जो यूरोलॉजिस्ट में तो किडनी सब आ गई यूरोलॉजिस्ट mm -hmm. में कुछ यूरोलॉजिस्ट जिनका स्पेशल इंटरेस्ट होता है मेनज हेल्थ में mm -hmm. उन्हें बोलते हैं एंड्रोलॉजिस्ट

मेरे सेक्सोलॉजी जैसे आप यूट्यूब की बात कर रहे थे हम पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में कि यूट्यूब पे ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन मेरा पहला इंटरेक्शन विद सेक्सोलॉजिस्ट वाज जो ये बड़े बड़े ऐसे काले कलर के पेंटिंग नहीं होते कि इस डॉक्टर से मिले गुप्त रोगी शनिवार को ही मिलें और, और फलाने रोगी वो रविवार को ही मिले लाइक एक स्पेसिफिक डेट वाले ऐसे होर्डिंग्स ही लगी होती है पेंटिंग्स ही होती है और मेरे को याद है किसने मेरे को एक बार बताया था कि मैं गया और कुछ उसको इशू रहा होगा वो कह रहा है कि बड़ा ही अजीब सा सिस्टम था अंदर सारे बड़े बड़े एक्टरों के साथ फोटो लगी होती हैं और उ, कुछ उसने कोई बोला कि ये दवाई का अठारह हफ्ते का कोर्स होता है या चालीस हफ्ते का ऐसा करके कुछ और वो कह रहा था मेरे को समझ नहीं आया और मैंने उसे बोला यार ये तो बड़ा ऑब्वियस सा ऐसा लगता है कि इफ अ डॉक्टर हैज़ टू प्रमोट हिमसेल्फ अंडर रेलवे ब्रिजेस और उस पर वो ब्लैक कलर की पेंटिंग के साथ इट डज़ नॉट लुक लाइक दैट इज़ अ लेजिड डॉक्टर तो आपको ना आदमी अपनी जिंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने लिंक को देता है उसका सबसे पावरफुल ऑर्गन है पर आदमी सबसे ज्यादा कम खर्चा और कम दिमाग उसके केयर में लगाता है लिंग के केयर में लिंग के केयर उनके के लिए लिंग एक मतलब उसके लिए एक पेनिस मतलब आपने हार्ट के लिए ढूंढोगे कार्डियोलॉजिस्ट पर पेनिस के लिए घुस जाओगे हकीम के टेंट Tent के अंदर ठीक हाँ, है हाँ। और एक बात बताओ कि हाउ डज इट मैटर कि हाउ मनी रिच पीपल डू आई नो राइट ठीक है हाउ मनी पीपल डू आई नो राइट ठीक है एज अ कार्डियोलॉजिस्ट टुडे और एज अ एज अ डॉक्टर टुडे मेरे को ये क्या मैटर करता है कि मेरे को आमिर खान जानता है या मुझे कोई सलमान खान जानता है डजन इज ए मटेरियल बल्कि अगर मैं अच्छा डॉक्टर हूँ तो मैं प्राइवेसी मेंटेन करूँगा बिल्कुल मैं तो अपने मैं तो बोलूँगा भी नहीं कि मेरे को कौन जानता है कौन नहीं जानता है बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर मुझे कोई फेमस आदमी दिखा भी रहा है हाँ। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा मेरे क्लिनिक पर उसका फोटो लगा हो लगाओ सहीकि हर आदमी आगे बोले अच्छा इसको भी ईडी है इसको भी ईडी है तो अगर अगर मैं अच्छा डॉक्टर हूँ तो मैं अपने पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करूँगा मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि उसकी फोटो मेरे क्लिनिक में लगे और फोटो लगने से क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है एंड ऑफ डे मैंने कितने मरीज ठीक किए हैं मेरे मरीज कितने प्रॉपरली ठीक हो रहे हैं और कितना इकोनॉमिकली एफोर्डेबली ठीक हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है mm. आज फॉर एग्जाम्पल वाइगरा है ठीक mm. है वायरी गुल दस रुपये की गोली है ठीक है पर यही गोली को ये लोग स्वर्ण भसम में मिला देते हैं चांदी मिला देते हैं ठीक है, है? हलवे में मिला देते हैं दे गिव शीरा मिला देते हैं एंड दैट टेन रुपीज़ ट्रांसफर्म इन टू अर टेन थाउजेंड रुपीज़ अ मंथ ट्रीटमेंट दस हज़ार रुपये तो मैं कम बोल रहा हूँ ऐसे सेक्सोलॉजिस्ट है दिल्ली में जो एक लाख रुपये लेते हैं महीने के इलाज का एक लाख में क्या खिला रहा हूँ मरीजों को भाई एक लाख में तो कार्डियासटेंड डल जाता है आदमी आई सी यू में रहकर निकल जाता है हार्ट अटैक ठीक हो जाता है आपके पेनिस को ठीक करने के लिए एक लाख रुपये की जरूरत है क्या दिमाग लगाओ अपना कि डू यू नीड वन लाख रुपीज़ फॉर योर पेनिस बट आई थिंक इट गोज़ विद वॉट आप जो कह रहे थे ना कि आदमी अपने पीनेस को बहुत ज़्यादा भाव देता है तो उसको शायद लगता है दस रुपये से ठीक होने वाली चीज़ तो कुछ अननेचुरल होगी इस पर लाख रुपया तो लगना ही चाहिए मेरे ख्याल से ये उस चीज़ पे प्ले करते हैं नहीं ऐसा नहीं है आई थिंक आदमी अपने पेनस को importance... दरवाजा बंद कर देना यार थैंक यू हाँ सॉरी सर आई थिंक मनी आदमी इसलिए खर्च नहीं कर रहा क्योंकि उसको भाव दे रहा है मोस्ट पेशेंट्स जो पेनिस के लिए खर्च जो आदमी खर्चा करता है वो स्ट्रेस में खर्चा करता है एंगजाइटी में खर्चा करता है उस पर प्रेशर आया होता है कहीं ना कहीं से शादी का वाइफ का गर्लफ्रेंड का परफॉर्मेंस का और उसके लिए वो एक लाख रुपये कुछ भी नहीं है आज अगर कोई आदमी चाहता कि मेरी वाइफ हनीमून पे ओ माई गॉड बोले और बोले और कि यार बेस्ट सेक्स ऑफ माई लाइफ क्योंकि उसमें इतना प्रेशर क्रिएट हुआ हुआ है तो वो उस एक्सपीरियंस के लिए उस मतलब आदमी जा रहा है इटली हनीमून के लिए दस लाख रुपए खर्च करके और बाद तीस सेकंड सेक्स कर रहा है ठीक है तो हनीमून वेस्ट होगा दस लाख वेस्ट होगा ना सोचता है कि मैं एक लाख और खर्च कर दूँ कभी तो हनी मून ग्यारह लाख में होगा पर एटलीस्ट वो दस दिन में अपनी वाइफ के साथ दस बार सेक्स तो कर लूंगा तीस सेकंड से तीन मिनट तो हो जाएगी तो वो 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 उस हनीमून के लिए एक लाख रूपये खर्च कर रहा है वो एक लाख इसलिए खर्च नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अपने पेनिस को खड़ा करना वो तो पता ही उसको प्रॉब्लम है ठीक हु, है बट वो रेडी इसलिए क्योंकि उसको क्विक रिजल्ट चाहिए उसने आज तक तो मास्टर करी है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल दिया है उसकी कभी गर्लफ्रेंड रही नहीं है हु, 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 उसका ओनली एक्सपीरियंस ऑफ सेक्स हैज बीन सीइंग पॉन और पोन में उसने देखा है कि चालीस मिनट से पहले डिस्चार्ज नहीं होता और यहाँ उसका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि तीस सेकंड से ऊपर मेरा इरेक्शन ही रहता और अब उसके पास एक बहुत सुंदर वाइफ आ गई है जो ऑब्वियसली पेरेंट्स ने चूज़ करके दिया है ठीक है अब वाइफ ने उसे शादी कर लिया है ना तो वाइफ इज एक्सट्रीमली प्रिटी और खर्चा हो रहा है और लाखों करोड़ रुपये खर्च हो रहा है और उसके बाद वो इटली जाएगा या जा भी हनीमे जाएगा तो वो वो एक करोड़ की शादी करने के बाद तीस सेकेंड लास्ट करेगा तो उसको बेजती फील होगी तो वो तीस सेकेंड के लिए वो एक लाख रुपये खर्च कर रहा है अब उस उस टाइम वो इतना प्रेशर में है इतना एंशियस है उस पर टाइम नहीं है उसकी शादी दस दिन बाद है उसका डेज बाद जाना है उसे जो मांगो दे देगा आप एक लाख बोल रहे हो आप उससे बोलोगे ना मुझे गाड़ी दे खरीद के सात लाख रुपये दे देगा आपको लिटरली पेशेंट्स कम टू मी लुट के आते हैं ऐसे सही कि साहब मेरी शादी दस दिन बाद है ठीक है मेरे बहुत प्रेशर है मैं शादी से भाग जाऊँगा या मैं शादी पोस्टपोन कराऊँ क्या या शादी कर लूँ क्या मैं सुसाइड करने के मूड में हूँ मुझे कोई दवाई देता तो हूँ को ठीक होना है और वो ऐसे लिटरली मतलब अपना बैक लॉकर खोल के आता है उस समय अगर मैं चाहूँ तो मैं उससे जो मर्जी मांग सकता हूँ मुझे बोलूँगा ना कि तुम तो मुझे दो लाख खुद दे जा और मैं ये दवाई ले जा तो वो दो लाख दे देगा वो उसको नहीं फर्क पड़ता कि दवाई क्या है पर ठीक किस चीज़ से होना है

मैं जल्दी डिस्चार्ज कर जाऊंगा ठीक hmm. है माय वाइफ मे नॉट लाइक मी ठीक है माय वाइफ मे मेक फन ऑफ मी सो इंटरेस्टिंग इतनी एंजाइटी इतनी होती है आदमी बहुत ज्यादा सो यू अमंग द मे बी यू मे बी अमंग द लकी पॉइंट ठीक है वेरी ओपन कांगी अर्बन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं अर्बन सिटीज हैड

एंगजी right, कम right, 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 right. हो जाती है, थोड़े हो जाते है, आपके डर हो जाते है तो टू परफॉर्म बट मैं फिर भी गारंटी कर रहा हूँ hmm. कि फर्स्ट टाइम कोई भी बहुत सेक्स नहीं करता है it's also, it's also right. yes. आप मार्स में आपका हाथ जगन्नाथ है ना आपका हाथ है mm -hmm. जो मर्जी करो ठीक है आप उसको फास्ट करो स्लो करो टाइट करो ढीला करो ठीक है दो सेकंड में निकालो दस सेकंड में निकालो तो देख नहीं ना को जज नहीं कर रहा बात आपको अपने हाथ कोस करना है पर सामने लिविंग बींग है फीमेल है ठीक है जिसके अपने व्यूज है जिसके अपनी इच्छाएं हैं जिसके अपनी बॉडी है ठीक है आप एक और बॉडी के साथ इंटरपोर्स करने वाले हो तो आपने प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को उसके लिए और जब आपको करना है तो आप उसमें एंग्जाइटी में आ गए हो और एंग्जाइटी में फिर आप लुट रहे हो लाखों रुपये खर्च कर रहे हो यूज ही नहीं है तो अगर आपको समथिंग परफॉर्मिंग एंग्जाइटी तो परफॉर्मेंस एंगजाइटी इज बेसिकली कि जब आप कुछ चीज़ करने वाले हो लाइफ में फर्स्ट टाइम तो होती है स्टेज फ्राइट कह लो पहली बार डिबेट कर रहे हो पहली बार वीडियो पर आ रहे हो पहली बार गाड़ी चला रहे हो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो हर बार होती है सेम लाइक सेक्शुअल फर्स्ट टाइम सेक्स करो तो एग्जाइटी होगी mm -hmm. अगर जब जब भी एग्जाइटी होगी तो डर के अंदर सेक्स नहीं हो सकता ठीक है इट इज अ प्राइमल रिस्पॉन्स राइट मेन कैन ओनली है अगर आप स्केर्यड हो किसी चीज से तो सेक्स कैसे होगा बिकॉज सेक्स इज सपोज लीजर रिलैक्सिंग एक्टिविटी राइट ठीक है सेकेंड हमारे सोसाइटी में ऐसा बन गया कि फर्स्ट नाइट में सेक्स होना ही है

तो वो सेक्शुअल पार्ट कैन भी डिलेड जब तक तो तो कि आप कंफर्टेबल ना हो जाओ दोनों ठीक है एंगजाइटी औरत को भी होती है ऐसा नहीं एंगजाइटी गर्ल को नहीं है पर परफॉर्म नहीं करना उसको उसको तो सिर्फ बजाय सर्व करनी है ठीक है सेक्स तो आदमी को करना है औरत, औरत को औरत को सेक्स नहीं करना है औरत तो सेक्स का एक पैसिव पार्टनर है ये मिथ है वैसे फीमेल्स पैसिव पार्टनर नहीं है वो भी एक्टिव पार्टनर्स है उनका भी उतना ही रोल है एंग्जाइटी कम करने में अपने हस्बैंड को अराउज करने में और सेक्सुअली चार्ज करने में जितना मेल का है और ये तो पौन में भी ऑब्वियस है मतलब जिन लोगों का एक्सपोजर पौन है मैं मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ मेल साइकी के इस पार्ट से जहाँ आदमी सोचता है कि सेक्स मेरा काम है और उसका रिसीविंग एंड है आई नो दिस माइंड सेट बट एक्चुअली इट इज अ डांस बिटवीन द टू ना ये तो आप उसमें भी देख सकते हो पोर्नोग्राफी में भी नहीं पोर्नोग्राफी में मोस्ट पोर्नोग्राफी इज नॉट सेक्स एक्चुअली या ठीक है आई थिंक एंटिसिपेशन इज मोर अराउजिंग द रियल थिंग ना राइट right. ठीक है न्यूड गर्ल इज मे बी लेस अराउजिंग देन अ सेमी न्यूड गर्ल वर्सेज अ गर्ल हु इज ड्रेस्ड एंड तो यू नो ब्यूटिफुलर डे वेरियस स्टेजेस ऑफ अराउजल तो हम लोग सेक्स एजुकेशन में सिर्फ uh, वही बात करें ना स्कूल बुक्स में कि खड़ा पैने एक वजह हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं पर हम वो प्रोसेस की बात नहीं कर रहे भाई इफ़ यू लुक एट द द प्रोसेस ऑफ सेक्स तो इट इंक्लूड्स फाइव पार्ट्स पार्ट पार्ट वन इज अरा मतलब कि इरेक्शन होना इंटरेस्ट hmm. आना तो so, अराउजल के बहुत कॉम्पोनेट्स होते हैं हाइजीन एक कॉम्पोनेट है स्मेल एक कॉम्पोनेट है फिजिकल लुक्स एक कॉम्पोनेंट है फिजिकल इंटमेसी एक कॉम्पोनेंट है यू विल नेवर बी विल टू हैव सेक्स वी एर नॉट अट्रैक्टेड टू तो अट्रैक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेट है उस पर तो कोई काम नहीं कर रहा है ठीक है डायरेक्ट काम हो रहा है सिर्फ परफॉर्मेंस पे और सेक्स हैज़ बिकम ओनली अबाउट पेनीट्रेशन तो आप देखो पूरा सेक्स हैज कम डाउन टू जस्ट गेटिंग इरेक्ट पीनेस इरेक्ट पीनेस तो सेक्स का लास्ट पार्ट है इरेक्ट पीनेस तो लास्ट पार्ट है ना जो पेनीट्रेशन होना है उससे पहले कितनी चीजें होनी है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस पर को टीचिंग नहीं हो रही है उस पर कोई सिखा नहीं रहा है और कौन देख रहे है बिल्कुल देख रहे हैं पर मैं कह रहा हूँ मैनी वेमेन ऑल्सो आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सेक्स ठीक है उनके लिए यह कि उनकी ये मैरिटल ड्यूटी है हुँ. अपने हस्बैंड को सेक्स देना ना तो वो गैज़म कर रही है ना वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रही है ना वो हस्बैंड को हेल्प कर रही है अराउज होने में ठीक है आप इमेजिन करिए कि अब जो ब्लो जॉब है फॉर ओरल सेक्स है ओरल सेक्स इज औरलसिडर्ड ऑलमोस्ट नॉर्मल इन पॉन एवरी पॉन विल हैव दैट दैट ओरल सेक्स पार्ट कि ओरल सेक्स हो रहा है और दोनों का हो रहा है हस्बैंड वाइफ को कर रहा है वाइफ हस्बैंड को कर रहा है या जो भी पार्टनर्स है पर इंडिया में नॉन एग्जिस्टेंट है इंडिया में ओरल सेक्स ओरलेशन बहुत कम है ठीक है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ओके हाइजीन प्रॉब्लम्स नहीं पता वाइफ को नहीं पसंद है वाइफ को सो मेनी पेशेंट्स कम टू मी एंड से मेरी वाइफ मुझे अलाउस नहीं करती भैया आप देखो ना कोहैबिटेशन डज नॉट हैपन बाई डिफॉल्ट इन इंडिया राइट जैसे आप पेशेंट आते ना हमारे पास तो हम पूछते हैं कि आप आप क्या सी से को सेक्स में प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है वो कहेगा अक्सर महीने में से सेक्स नहीं हो पा रहा है वाइफ से तो मैं आज कितनी बार सेक्स करता हूँ महीने में तो बोलता मैं साल में दो बार करता हूँ hmm. तो कहेगा क्यों करते हो साल में दो बार क्योंकि वो आर्मी में है छुट्टी नहीं मिलती है जाता ही चार महीने में घर है पंद्रह दिन के लिए या वो वर्कर है मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर है घर उसका बिहार में है वो काम कर रहा है गुजरात में hmm. और वो घर जा रहा है सिर्फ चार महीने में फिफ्टीन डेज के लिए hmm. और फिफ्टीन डेज में अब जब घर जा रहा है तो ऑब्वियसली वाइफ इज वेटिंग फॉर हस्बैंड और उस टाइम उसको तो उसके बाद बेसिकली हर चार महीने में एक पी का एपिसोड हुआ है बल्कि hmm. वो तो वेट करता है कि छुट्टी कब खत्म होने मैं वापस काम पे चले जाओ hmm. और जब जो तो घर जाना तो घर फिफ्टीन डेज में उसको फिफ्टीन में सब कुछ करना है उसको वाइफ को प्रेगनेट भी करना है ठीक है उसको सेक्स भी करना है ठीक है उसको अपने बच्चों को टाइम भी देना है उसको अपने खेत भी देखने हैं उसको अपनी फैमिली फंक्शन में अटेंड करना है तो उसके लिए उस, उस पूरे एपिसोड में सेक्स तो एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होगा ना वो लिमिटेड टाइम में वो अराउजल वाला पार्टी नहीं है वो कहते हैं घर जाते हैं बिकॉज हो क्या रहा है कि वो जो लेडी है वो विलेज में है और उसका हस्बैंड तो अर्बन इन्वायरमेंट में रह रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अभी लोग काम करते होंगे आपके कंपनी में तो वो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि ब्लो जॉब नॉर्मल है और वैक्सिंग नॉर्मल है और ये गर्ल्स जो है किसिंग करती है और कपड़े पहनने का स्टाइल है उसको ये चीज़ें पसंद आ रही है उसकी वाइफ नहीं कर रही है वो क्योंकि उसको वो एक्सपोजर नहीं है ठीक hmm. है तो वो कहता है मुझे अरावजल नहीं हो रहा है देखो hmm. तो तो अरावजल तो पौन से हो रहा है उसको चाहिए है, वो पौन वाली फीमेल वो उसको घर पर नहीं मिल रही तो उसका अरावजल ही मिसिंग है तो ई तो हो ही जाएगा ना ठीक hmm. है तो ये कुछ सब पार्ट्स है मेरी का सब क्या होता है बट डीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ यू पार्टी मैनेजिंगिटी डे एन एंड डे आउट राइट ठीक है अब ये पेशेंट जब जाएगा एक एंड्रोलॉजिस्ट के पास तो एंड्रोलॉजिस्ट में फिगर आउट करेगा इस बात को ना कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है अरावजल इशू है एरक्शन इशू है एज इशू है क्या इशू है जिस्ट सिटिंग इन अ टेंट वो क्या करेगा वो नफ्स पकड़ेगा उसकी नफ्स देख के बोलेगा नहीं आपको तो भयंकर रेडी है और आपको तो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है और वो उसको दवाई दे देगा और वो बात दिमाग में घुस गई ना परफॉर्मेंस हाँ। एंगजाइटी मतलब सेक्स की पी ए इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि क्या होता है आदमी सेक्स करते हुए भी उस पीए में होता है हाँ। कि अब मेरे से हो रहा है अब मेरे से हो रहा है और उस चक्कर में फिर वो एंग्जाइटी और बिल्कुल फिर वो काम करता ही नहीं वो इतना उल्टा एडवाइस uh, कि भाई तेरे को ना बिल्कुल ही नहीं करनी फिर अपने आप हो जाएगा एंग्जाइटी को लेके मेरे ख्याल से यही दिस इज नहीं हुआ आपने चेक किया और एग्जाइटी हो गई और फिर नहीं हुआ इनटू अ सर्कल ऑफ ब्रेक द सर्कल टू ब्रेक द सर्कल द इजिएस्ट वेज टू यूज मेडिकेशन टेकना ब्रेक इट डू वेल And then just get over it and you become used to it. Hmm. That's the easiest way to do it. If some boys don't want to take medication at all, then we advise them, you know, breathing exercises and just, you know, engage in more intimacy. let get get fully aroused first. Don't hurry up the entire act. And then, you know, alcohol, again, the biggest saver in the world. Hmm. So just get a little drunk uh, and then just do it. So these are the ways that you can manage that. But definitely performance anxiety is the biggest chunk of ED. Right. And many patients get, you know, नी पेशेंट गेंट एंड दे रियलीवी बट बिकॉज ऑफ दिसकर में रहे रहे बहुत पेशेंट है। आते हैं कहते हैं सर हमने ना जैसे वो कहते हैं कि शादी होने वाली है अच्छा शादी कब है फिफ्टीन डेज के बाद अच्छा आपने कोई सेक्स किया आज तक नहीं किया या किया है हाँ किया था दस साल पहले किया था एंड उस टाइम हो नहीं पाया था तो उस टाइम हो नहीं पाया था वो लेके मान रहा है अभी तो तक दस साल से कि वो ईडी है ठीक है वो दस साल से टेंशन में वो ईडी है ठीक है और उसकी रियली शादी हो गई है और घर वाले ने शादी तय कर दी सब कुछ हो गया वो परेशान है वो एकदम मतलब लिटरली स्वेटिंग इन द इन द ओपीडी कि सर बस मुझे ठीक कर दो मुझे ठीक कर दो अलग तो ठीक है बॉस यू आर ओके जस्ट रिलैक्स जस्ट टेक दिस मेडिसिन टेन डेज़ के लिए एंड एंजॉय योर हनीमून सब ठीक हो जाएगा एंड मेडिसन आर चीप दूसरे टू थ्री फोर थाउजेंड बक्स बट उसी मेडिसिन में फाइव वॉन्ट आई कैन रीलेबल इन एन सेलेक्ट फॉर वन लाख रुपीज़ एंड mm -hmm. वो तो ये बोलेगा ना हाँ देखो डॉक्टर ने दवाई दी थी मैं ठीक हो गया mm. तो मैं तो दो हजार रुपये की चीज़ लाख में चिपका सकता हूँ पेशेंट को mm -hmm. और मैं बिकॉज आई एम डी एम सी जैसे डॉक्टर है मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है आई कॉन्ट डू फ्रॉड्स लाइक दिस बिकॉज गवर्नमेंट रेगुलेट्स मी राइट ऐसा नहीं मेरे को करना है बट एथिकली करना भी नहीं चाहिए बट यही हो रहा है और ये लार्ज लार्ज नंबर्स में हो रहा है ठीक है और ये यही सीक्रेट है इन 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 हकीमों का मतलब नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक हकीम्स

is size a big deal when having sex yes so size is a very big deal while having sex so size is important but size is not the only thing that is important par usko sexologists ne aur social media influencers ne completely change kar diya ki size is unimportant ऐसा तो हो भी नहीं सकता साइज इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट ठीक है It is basically जिसका size नहीं है उसको हम खाली थोड़ा खुश करने के लिए कि साइज नहीं है कोई बात नहीं पर साइज इंपॉर्टेंट है hmm. और एक एवरेज साइज इसलिए डिफाइंड है फॉर hmm. एग्जाम्पल एक एवरेज हाइट है तो फॉर एक्जाम्पल समी एवरेज हाइट इज मे बी बी ऑफ मे बीबी फोर एंड हाफ टू फाइव एंड हाफ फीट यू यू हैव हैव टॉलर है शॉर्टर दे आर लिविंग द लाइफ दे आर डूइंग एक्टिविटीज बट इफ यू लुक एट स्टैंडर्ड स्टैंड मतलब फॉर एक्जाम्पल एयरलाइन सीट एंड एयरलाइन सीट इज डिजाइन फॉर अ स्टैंडर्ड पर्सन कि एयरलाइन सीट के अंदर एक स्टैंडर्ड आदमी इतने वजन का आदमी बैठ जाएगा उससे भारी है तो उसको टाइट रहेगा उसको डिफिकल्टी आएगी तो उससे so so छोटा है तो उसको जगह बच जाएगी पर यू हैव अ स्टैंडर्ड तो दैट इज वॉट एन एवरेज साइज एवरेज साइज ज़रूरी है अगर आपका एवरेज साइज से छोटा है तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि फीमेल वजाइना इज रिसेप्टिव टू साइज ठीक है वजाइना इज अ स्ट्रेचेबल ऑर्गन ऑब्वियसली स्ट्रेच चाहिए उसको और जो ऑर्गेजम है वो वजाइना से भी आता है लिटर से भी आता है तो जो ये मिसकनसेप्शन है कि साइज हो ना हो बस आपको फीमेल को रब करके डिस्चार्ज करना है कोई फीमेल अलाउ नहीं करेगी ठीक है अगर आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड सिर्फ आपको हर बार आपको रबिंग ही कर रहा है और औरली कर रहा है और कभी पेनिट्रेशन कर नहीं रहा है hmm. तो नो फीमेल इज गोइंग टू अलाउ दैट राइट इट्स द सेम वे कि अगर आपकी वाइफ सिर्फ आपको हैंडसोप देते रहेगा और कोई जाने में अलाउ ना करे राइट right. ठीक है तो सेक्स तो पेनिट्रेशन ही है तो पेटेटिव साइज जरूरी है एक बेसिक एवरेज साइज इंडिया में डिफाइंड है और वो जरूरी है उससे डिफाइंड है सर वो तो नॉर्मली लेंथ शुड बी समवेयर बिटवीन फोर इरेक्ट लेंथ की बात कर रहा करो बस फोर टू फाइव इज एन एवरेज साइज

विनर राइट ओके ठीक है इसलिए बोलते हैं कि अगर पेनिस थोड़ा साइज में कम है तो आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो टाइमिंग बढ़ा के एग्रेशन दिखा के विगरस होके पर होकर बार, बार बार बोलना कि साइज अन इंपॉर्टेंट है हर फीमेल को सिर्फ लिकिंग पसंद है किसिंग पसंद है और ओरल uh. और पसंद है ऐसा नहीं है राइट ठीक है लॉर्ड ऑफ फीमेल ऑर्गेजम विद्यूट्रेशन एंड अ गुड साइज विद गुड टाइमिंग एंड नाइस विगरस सेक्स कैन कैन बी द गेम चेंजर फॉर योर रिलेशनशिप राइट ठीक है तो योर फोकस शुड बी ऑन गेटिंग अ गुड साइज इफ यू आर अ चाइल्ड इफ फादर ऑफ अ चाइल्ड एंड यू फील दट देश द चाइल्ड साइज इज़ नॉट ग्रोइंग इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी आपकी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे को चेकअप करा के देखा जाए कि उसके अडोलसेंट में उसकी पेनिस साइज की ग्रोथ ठीक हो जाए ताकि वो अडल्टुड में ठीक रहे ठीक है मेनी मेनी पेरेंट्स थिंक कि बारह साल के बाद हमारी खत्म हो गई जिम्मेवारी थर्टीनथ में तो लड़का थर्टी तो तो नन्थ में हो गया स्कूल चले गया हमारी जिम्मेवारी नहीं है उसको बात करने की सो कहते हैं वॉट शुड अ डायर टॉक टू हज सन अबाउट सेक्स यह जरूरी है उसको बात करना अपने बेटे से कि उसके बेटे की सेक्शुल ग्रोथ ठीक है नहीं है क्या उसकी हेयर ग्रोथ ठीक है क्या उसकी प्रॉबर्टी ठीक आ रही है क्या उसके उसके जेनिटल्स प्रॉपर्टी डेवलप हो रहे हैं क्या उसका टेस्ट ठीक है क्योंकि मैनी ऑफ द सेक्शुल प्रॉब्लम डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड थर्टीन ईयर्स टू सो इंटरेस्टिंग थर्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स ठीक है आप जब एडोलिसन से एडल्टुड में जाते हो तो फॉर योर फादर और फॉर योर मदर और फॉर योर फॉर योर फैमिली टू यू नो गाइड द चाइल्ड और एग्जामिन द चाइल्ड एंड सी की यू नो मेरा बेटा ठीक ग्रो कर रहा है अगर साइज में कमी है तो आर मेडिकेशन एंड आर स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज दैट कैन हेल्प ड्यूरिंग द पीरियड मैन इज ग्रोइंग सो इंटरेस्टिंग ठीक है और होता गया मोस्टली कि दैट पीरियड गोज अवे स्कूल में ये लोग शर्माते रहते हैं पेरेंट्स बात नहीं करते एंड बच्चा जाता है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट ईयर कॉलेज में उसको फर्स्ट टाइम सेक्स का मौका मिलता है एंड ही फ़क्सर रियलाइज मुझे फेमोस है मेरी स्किन नहीं खुलती है मेरा पेनिस पूरा बाहर नहीं आ रहा है मुझे हाइपर सेंसिटिविटी है मेरा एक टेस्ट छोटा हो गया मेरे को हरनिया हो गया है ठीक है एंड दे देन आर स्क्यर्ड टू डिस्कस इट विद देयर ओन फादर्स बिकॉज फादर ने बात ही नहीं करी क्योंकि hmm. तो बीच में एक बैरियर है

एंड नाव देव विल गेट ट्रीटमेंट अपने आप रिसर्च करके सो so, जो टाइम पीरियड है उनका जो ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए फो फौर फोरटीन फिफ्टीन ईयर्स पे वो वैसे डिलेड है और जो इक्कीस साल के बाद जब वो ट्रीटमेंट एक्सेस कर रहे हैं तो उनको गलत नॉलेज मिल रही है तो so, वो दस साल का जो गैप पीरियड है वो डेकेड ऑफ सेक्शुअल ग्रोथ वो तो ख़त्म हो गया ना आपके हाथ से ये जो आपने मेरे को बोला कि 12 साल के बच्चे का 13 साल के बच्चे का कुछ हो सकता है और एक्चुअली आप एज अ फादर नोटिस कर सकते हो कि ग्रोथ नहीं हो रही है

ठीक है बियड ग्रोथ प्रॉपर्ली आ रही नहीं आ रही गाने को मेस्टर डेवलप तो नहीं हो रहा है ठीक है उसका बॉडी वेट ठीक तो गेन कर रहा है ठीक है उसके टेस्टोस्टेरोन फ्राउंड हार्मोन तो ठीक है उसके पेनिस की लेंथ प्रॉपर्ली ग्रो कर रही नहीं कर रही है नाइट फॉल्ट तो बच्चे को रोज नहीं हो रहा है ठीक है बच्चा मेरा मास्टरमेशन तो रोज करने नहीं लग गया है ठीक है उसकी पेनिस की स्किन खुल रही नहीं खुल रही है उसकी हाइजीन डेवलप हो रही नहीं हो रही है टेस्टिस के अंदर कोई हर्निया तो नहीं हो गया है कोई हाइड्रोसिल तो नहीं हो गया है आजकल इतने सारे बच्चे जो देखता हूँ मैं सेवेंटीन ईयर्स की है एज सत्रह साल की एज है दे नॉट फुल्ली मेच्योर वो जिम शुरू कर देते हैं अब ये फिर एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज चीज हो जाएगी के लड़के को क्या जरूरत है प्रोटीन की और स्टोर की आ, कोई पर, तो कोई जरूरत नहीं तो पर, मिल मिल रहा है, हाँ। मिल रहा है है जिम में और सेवेंटीन ईयर ओल्ड के बच्चे को जो अभी मतलब कि जो ट्वेल्थ पास हो गया है ट्वेल्थ या एलेवंथ के एंड में बच्चा जिम जा रहा है और वहाँ पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस के बिना वो स्टोरॉयड लगवा रहा है ठीक है उसे उसकी बोन ग्रोथ रुक रही है उसकी मसल ग्रोथ रुक रही है एक समथिंग कॉल्ड एज स्टोरॉयड इम्प्रिंटिंग स्टोराड इम्प्रिंटिंग मतलब कि अगर आप स्वरोड लेते आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग स्टोरॉइड्स एट सेवेंटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग एनेबालिक्स तो योर टेस्टिकुलर फंक्शन विल डिक्लाइन आपका स्पॉम काउंट डिक्लाइन करेगा आपका पेडायल ग्रोथ रुक जाएगा आपकी हड्डियाँ रुक जाएगी ठीक है और आपके माइंड में एग्रेशन इम्प्रिंट हो जाएगा mm -hmm. ठीक है आपका फोकस आपकी एजुकेशनल करियर जो डेवलपमेंट स्टेज में है वो रुक जाएगी ठीक है सो यू आर एक्चुअली और आई डोंट थिंक कोई पेरेंट्स बात कर रहे हैं इसके बारे में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दे नहीं रहे कि बेटा तू खुल के मुझसे बात कर ले वो खुल के कैसे बात करेगा मतलब आप आपको उससे पहले से खोल करनी पड़ेगी ना राइट right. आपको हर साल उससे ये डिस्कशन करनी पड़ेगी तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है या तू तो पौन में इंटरेस्टेड तो नहीं है या तुझे तो रिलेक्शन आ रहे हैं क्या नाइट रेक्शन आ रहे हैं क्या hmm. ये नॉर्मल है जैसे गर्ल्स से मदर्स बात करती है सर्वाइकल कैंसर के बारे में पीरियड्स के बारे में पैड्स के बारे में करनी पड़ती है मदर्स कर रही है बात डॉटर से पर फादर्स अपने सन से बात नहीं कर रहे हैं ठीक है और ये ये मेरे को लगता है सेक्शल एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फादर्स अपने सन से बात करें और अगर वो सन से बात करेंगे तो सन भी फादर से बात करेगा ना और जब बात करेगा फॉर एग्जाम्पल आज ही टू गोट फादर ने सिर्फ मुझे प्रॉब्लम आ रही है एक्स वाई जेड अब होता क्या है कि बच्चे है, फादर से बात नहीं करते एक्स वाई जेड प्रॉब्लम आई है तो क्या होगा ईजिएस्ट तरीका क्या है इंटरनेट गूगल गूगल पे क्या मिलेगा आपको एड्स एड किसकी मिलेगी सेक्सौल्जिस्थ, कि सेक्सौल्जिस्थ कौन है? और शीरे और मसाले और चवन प्राश ठीक है अब वो ले रहे हैं, अब वो पैसे कहां से लाएंगे लोन मांगेंगे चोरी करके घर से चोरी करेंगे हाँ। तो वो कितने लेवल्स पे आप बच्चा खराब कर रहे हो और कितनी हो इतनी सिंपल चीज कह रहा हूँ बिल्कुल और अगर पेरेंट्स ही बच्चे को गाइड कर दे या बच्चा खुला हो पाप, पापा से अपने तो जाएगा पापा के पापा से तो दिक्कत आ रही है हाँ. लेट्स गो टू अ डॉक्टर या डैड डैड इज इज मैच्योर मैच्योर 40 इयर्स इयर्स 35 right. 36 बीन बीन थ्रू थ्रू दिस दिस तो आदमी है वो जाएगा हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास एमबीबीएस पे जाएगा चाहे एमएस पे जाएगा वो डॉक्टर होगा कम से कम सही गाइड करेगा सही बात है ठीक है वो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा उसको चमन प्राश ले डॉक्टर बोलेगा बेटा यू आर ओके यू नॉर्मल यू आर ग्रोइंग ओके दिस आर ग्रोथ प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट कर डिफरेंसेस हैं है ठीक है, है, हो जाएगा एबीसी है ठीक हो जाएगा जबकि जो डौ, दूसरा डॉक्टर है वो देखते ही बोलेगा अरे ये छोटा है हम्म अरे यार छोटा है पता है सर ये इतनी इंटरेस्टिंग बात आपने करी कि एक आदमी का अगर एक्चुअली छोटा रह जाए उसके साथ जो कैरीड शेम और एंजाइटी उसको जिंदगी भर झेलनी है उसके हो सकता है रियल सोशल कॉन्सिक्वेंस भी हो कि अब मेरा छोटा है मैं, मेरे को anxiety, किसी और का है वो एक लूप बन चुका है पूरी में जहां वो, वो प्रिवेंट हो सकती है इतनी जल्दी दैट कैन बी प्रिवेंटेड एट द फादर जस्ट बिगिन की मतलब ये एक, इत, इतना इंपॉर्टेंट पीरियड है एक लड़के की लाइफ में जहां पे अगर इंटरसेप्शन आ जाए तो उसकी पूरी लाइफ का आउटकम वन और हंड्रेड के बीच का डिफरेंस आ सकता है एक इमेरियल है साइज तो देखो ग्रोथ होता है हाँ। हर आदमी का डिफरेंट ग्रोथ होता है पर अगर ओपनली बात कर ले वो फादर से अपने अगर उसकी फादर से उसकी बात ओपनली हो तो the, मैं कह रहा हूँ एनी चाइल्ड फर्स्ट आइडल और द फर्स्ट मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स इज फादर दूसरे नंबर एल्डर ब्रदर ठीक है तीसरे नंबर पर मदर और फिर अपने फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स अगर फादर ही अच्छा फ्रेंड बन जाए और फादर ही उसको कॉन्फिडेंस जगा दे बेटे में कि यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनी तो सो मेनी डाउट्स विल बी क्लियर Agreed. get get good mature advice. Yes. and he will not get stuck with these. पता है मेरा एक भतीजा है वो मेरे को भी मेरे को गाली देगा ये बात बताने के लिए तो ना अभी मेरे को किसी शादी मिला अब होगा पंद्रह सोलह साल का टेंथ इलेवंथ में होगा मेरे पास आया चाचू चाचू ये वो सारी बात करी वो मेरा कॉन्टेंट वॉन्टेंट देखता है सब दुनिया भर की एंड में कहता है चाचू आपने पहली बार सेक्स कब किया था मैं समझ गया कि ये वो कॉन्वर्सेशन करना चाहता है जहाँ पर बड़ा हो रहा है पर अपने पापा से नहीं कर पाता हाँ और ये बड़ा रियल सिम्टम है मेरे को अभी रियलाइज हुआ पर एक बात बताओ सर अगर किसी का हम एंगजाइटी और एंटिसिपेशन और इस लेवल पर बात कर रहे थे इफ समबडी हैज अ स्मॉल बिजनेस हाउ डू दे कॉम्पेसेट फॉर इट सो दैट उनको सारी जिंदगी घुटघुट के नहीं जीना नहीं तो देखो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज की वट इज डिफाइंड अ स्मॉल ओके तो डेफिनेशन वेरिंग है ठीक hmm. है तो देर इज समथिंग कॉल्ड पैथोलॉजिकल स्मॉल मतलब मेडिकल स्मॉल माइक्रोपिनस ठीक है ना दिस इज यूजली ड्यू टू हार्मोनल इशूज़ और इट इज़ ड्यू टू इंजरीज और इट इज ड्यू टू कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स लाइक हाइपोस्पेडियस एपिसपेडियस सर्जरीज स्ट्रिक्चर्स बहुत चीज़ें होती है सो दीज गाइज आर काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स सो इन दिस गाइज देर मेडिकल सल्यूशन सर्जिकल सोलूशन तो वो ट्रीटमेंट करते हैं उनका तो ट्रीटमेंट करने के बाद भी हम उनका ये नहीं है कि वी कैन मेक इट वेरी बिग बट वी कैन मेक इट फंक्शनल की एटलीस्ट वो सेक्स शादी कर, कर सकते हैं सेक्स कर सकते हैं बच्चे कर सकते हैं ठीक है एंड डेफिनेटली उनको अपनी वाइफ को प्लेजर करने के लिए पेनाइल साइज के अलावा और भी बेनीफ्टिट लेने पड़ेंगे कैसे टाइमिंग बड़ा बढ़ाना पड़ेगा या ओरल करके अपनी वाइफ को स्टमेट करना पड़ेगा और बहुत सारे हस्बैंड देखो इंडिया में ना एक मिसकनसेप्शन है कि वाइफ हाइपर सेक्शुअल है मुझे लगता है इंडियन फीमेल्स आर वेरी लॉयल इंडियन वुमेन आर वेरी कोऑपरेटिव टू तो दर थे हस्बैंड ठीक है इंडियन वुमेन में जो एक इमेज थोड़ी बन गई है कि नहीं देर हाइपर सेक्शुअल नहीं है ऐसा हमारी औरतें अभी भी बहुत अच्छी है एंड मोस्ट इंडियन वुमेन विल ऑलवेज ट्राई टू मेक इट वर्क विद विदर हसबैंड तो अगर उनके हस्बैंड अच्छे है अगर उनका मेंटल बैलेंस मिल रहा है उनकी इकोनॉमिकल बैलेंस मिल रहा है उनको सिक्योरिटी मिल रही है घर परिवार अच्छा है तो वो उससे भी प्रॉपर्ली मैनेज करेगी और ऐसा नहीं कि वो दुख में मैनेज करेगी वो अपना तरीका ढूंढ लेंगे ठीक है वो अपना किस तरह उसको गैजम करना है किस तरह उसको इन्जॉय करना है किस तरह उनको बच्चा करना है पोजिशन बना के अपना जो भी करना है कर लेंगे प्रॉब्लम आती है ये साइकोलॉजिकल स्मॉल पेनिस जहाँ स्मॉल पेनिस नहीं है पर उसके मन में है कि मेरा स्मॉल पेनिस है ठीक है एवरेज तो छोटा ही होता होगा साइकोलॉजिकल भी नहीं साइकोलॉजिकल इसकी एवरेज है साइज ठीक है चार साढ़े चार पाँच है पर उसके दिमाग में बॉडी डिसमोर्फिया है उसके दिमाग में ये है कि नहीं मेरा पेनिस छोटा है वो भी पौन देख के होगा हाँ अब तुम जितना भी समझा लो उसको वो नहीं समझेगा वो कहेगा मेरा छोटा मेरा छोटा मेरा छोटा मेरा छोटा और वो अपने इनसिक्योरिटीज़ को अपनी वाइफ पर डालता रहेगा ठीक है कि नहीं मेरा छोटा मेरी वाइफ खुश नहीं है छोटा मेरी वाइफ खुश नहीं है जबकि वो कह रही होगी कि मैं कि वाइफ कह मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे आ, हो गए मेरे को इतनी टेंशन नहीं है आई एम हैप्पी माई आई एम डूइंग वेल नहीं मेरा माटा मेरा छोटा मेरा छोटा अब ये पेशेंट्स जो है ना ये थोड़े से ट्रिकी पेशेंट्स है क्योंकि इनको आप बोलोगे लंबा है तो मानेंगे नहीं उन्हें कुछ ना कुछ दवाई खानी है मेजिकल क्योर चाहिए ठीक है और ये सर्जरीज करा लेते हैं बहुत सारी ना प्लास्टीन ग्राफ्टिंग होती है बहुत तरीके है, है, अच्छा, है? तो है, है पर ये जब करा रहे है, ये हम नहीं करते ये पर ये, ये बहुत सारे डॉक्टर्स कर देते हैं उसके बाद कॉम्प्लीकेशन होता है, है, फिर बन जाती है तो वो एक पूरा सॉरी केस है अलग अब इनके बीच में ऐसे पेशेंट है जो बहुत छोटे भी नहीं है बहुत बड़े भी नहीं है नौ दे एवरेज साइज तीन इंच इंच चार इंच जहाँ पर उनको एक्चुअल आ रही है अपनी वाइफ को गैज़म कराने में और वाइफ कंप्लेंट कर रही है अब वाइफ कंप्लेंट करने का मल्टीपल रीज़नस है या तो हो सकता है पोस्ट चाइल्ड बर्थ है उनको पेनिस प्रॉपर्ली फील नहीं हो पा रहा है या टाइमिंग कम है तो टाइमिंग को साइज से कंफ्यूज़ कर रहे हैं कई बहुत पेशेंट ऐसे भी होते हैं तो साइज तो ठीक है टाइमिंग बहुत कम है तो वो टाइमिंग को साइज से कंपेयर करता है वाइफ कहते हैं मुझे फील नहीं होता है फील कैसे होगा जब सेक्स हो तीस रहे तो

अब इन लोगों को रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ करें साइज़ का तो हम सेक्सुअल लाइफ अपनी बिठा सकते हैं ठीक है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा हमारा पेनिस बड़ा हो जाएगा हमारी वाइफ थोड़ी हैप्पी हो जाएगी हमारी मैरिज बेटर हो जाएगी तो उस केस के अंदर हमारे पास सर्जिकल सल्यूशन भी है मेडिकल सोलूशंस भी है जैसे पी आर पी इंजेक्शन आजकल पी शॉट बोलते हैं वो हेल्प करता है पेनाइल साइज को ग्रोथ करने में पेना ने पेनस के अंदर फैट या फिलर्स डाल सकते हैं उसको थोड़ा थिक करने के लिए लेगमेंट रिलीज होता है जैसे थोड़ा पेनिस हैंग कर जाता है थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है ना कई बार क्या होता है कि फीमेल को ना डायरेक्ट पैनस से फर्क नहीं पड़ रहा होता हाँ। उसको होता है कि जब मेरा हस्बैंड क्लोज खोले या जब मैं अपने हस्बैंड को वर्क कर रही हूँ वर्क मतलब फोर प्ले कर रही हूँ राइट जब मैं उसके पेनिस से खेल रही हूँ या उसके पेनिस को मसाज कर रही हूँ या ओरल दे रही हूँ उस टाइम उसको थोड़ा हाथ में बड़ा चाहिए हाँ। तो उसमें इट डज़ नॉट मैटर कि एरेक्ट लेंथ और साइज क्या है उस टाइम होता है कि जो फ्लैसिड या जो पेनिस सेमी हार्ड भी है वो भी थोड़ा हाथ में बड़ा लगे तो वहाँ पर जो हम फिलर्स डालते हैं या फैट ग्राफन डालते हैं वो थिक हो जाता है सो दैट काइंड ऑफ अराउज द वुमन मोर कि नहीं इट्स लाइक द सेम थिंग ब्रेस्ट ठीक है किसी के ब्रेस्ट है फॉर एग्जांपल सम मैन लाइक बिग ब्रेस्ट सम मैन लाइक स्मॉल ब्रेस्ट तो होता है दे वांट टू प्ले विद देम तो ब्रेस्ट का काम तो बच्चा को दूध पिलाना है बिल्कुल बट इट्स ऑल्सो वो अराउजल में हेल्प करता है राइट right. कोई ब्रेस्ट का कोई सेक्स में को रिलेशन नहीं है बट ड्यूरिंग सेक्स अगर ब्रेस्ट से प्ले होता है ब्रेस्ट के साथ uh. तो सम मैन लाइक देर वाइफ सेवल लिटिल बिग ब्रेस्ट राइट ब्रेस्ट में भी ब्रेस्ट इम्प्लाट डलता है ब्रेस्ट के अंदर भी फैट डलता है ब्रेस्ट सा बड़ा करने के लिए right. सिमिलरली right. पेंडिस्ट भी हो सकता है तो वहां पर ये हेल्पफुल होता है

आर्मी बैरक्स में दे दिया है बात इन द ओपन कई बार बात साथ में कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फर्क पड़ जाता है पहले से दिखने में कैसा है नहीं है पर तीन लोग नहा रहे हैं उसका थोड़ा छोटा दिखेगा पानी में या थोड़ा श्रिंक हो गया तो बाकी हंसी उड़ाएंगे और सोचो सो बैरक में एक सौ नब्बे सोल्जर्स है ठीक है और आपका नाम फैल गया साइज को लेकर तो आपकी जो लगने वाली है। लगने वाली अब कैसे काम करोगे ठीक है तो वो लोग कहते थे मुझे बड़ा दिखना चाहिए मेरे को सेक्स में प्रॉब्लम नहीं है मेरे इक्शन में प्रॉब्लम नहीं है पर श्रिंक हो जाता है टट हो जाता है मैं जब नहाता हूँ या कपड़े पहनता हूँ या ओपन में नहा रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल छोटा लगता है और लोग हंसते हैं तो आई वॉन्टेड इट शुड हैंग तो दैट इज़ कॉल्ड टर्टलिंग तो टर्टलिंग में अगर हैंगिंग चाहिए तो उसमें ग्रोटॉक्स होता है ग्रोटॉक्स बेसिकली बोटॉक्स इट हेल्प्स पी होता है तो देर दे आर मैनी सर्जिकल सल्यूशन पर ये सर्जरीज है ये ट्रीटमेंट्स है ये इंजेक्शन है ये मेडिकल ट्रीटमेंट है hmm. पर ये आपको नहीं मिलेगी हकीम के पास वो तो शीरा देगा वो शीरा देगा आपको तो तो उसके पास बाद तो हर चीज़ का सेम शीरा है ठीक है आप उसको इलेक्शन में चले जाओ टाइमिंग चले जाओ साइज चले जाओ आप उसके लिए फेमोसिस चले जाओ उसके लिए आप अर्ली डिस्चार्ज चले जाओ बॉम्ब चले जाओ हर चीज़ में सेम दवाई दे राइट right, राइट right. ये फिमोसिस और ग्लान सेंसिटिविटी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है ना जब तक उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि फोर स्किन टाइटनेस नाम की कोई चीज होती है आ, उसके नीचे मतलब क्योंकि हमें एनाटॉमी ऑफ अ पीनेस तो कभी हम डिस्कस करते नहीं एक वेल फंक्शनिंग पीनेस तो हम कभी डिस्कस करते नहीं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आदमी को सेक्स से पहले या सेक्स करके अरे मेरे को तो दर्द हो रहा है इट शुड नॉट बी पेनफुल दैट हैपनिंग मच लेटर मैं तो आई वॉज अग रेडिट फैन एज अड तो वो रेडिट पर मेरे को पढ़ के पता लगा मैंने पहली बार ये वर्ड वर्ड पढ़े बोला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये भी एक सिचुएशन है तो टेल मी अबाउट फिमोसिस टेल मी अबाउट ग्लान्स <laughs> सेंसिटिविटी एंड ये वाले जो सेमी मेडिकल सिचुएशन है ये भी ना बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है hmm. ना इस ये टॉपिक के अंदर दो चीजें मिक्स है पहला है चाइल्डन तो इस वर्ल्ड में ना सेवेंटी परसेंट मैन सकमसाइज एट बर्थ है रिचुअल सकमसीजन जो में होता है मुस्लिम में होता है वो उनके रिचुअल में है क्रिश्चन में भी होता है जूस में भी होता है कुछ हद तक तो जो सरकमसाइज एट बर्थ है उसके ऊपर बहुत बड़ा इशू चल रहा है अभी यूएस में ऑस्ट्रेलिया में ये कंट्रीज कहती है कि सकमसूजन शुड ऑलवेज भी डन एट द एज ऑफ कंसेंट कि आप बच्चे कैसे कर सकते हो आप सकमसूजन करो जब बच्चा बड़ा हो जाए और वो कहते हैं कि नहीं हमारे रिचुअल में है तो वो करना है तो वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वेब पे

पेडाट्रिक वॉरियर जैसे पीटा टाइप्स ने जैसे जो बच्चों की राइट्स की बात करते हैं यूएस से आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो क्रिश्चियंस है या एथिस है हुँ. और जो रिचुअल सकूम गलत मानते हैं वो बहुत नेगेटिव पेपर्स पब्लिश करेंगे कि भाई सकूम बचपन में करने से ये हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा हुँ. तो आपको बहुत एज अ डॉक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सी चीज़ बेटर है कौन सी नेगेटिव है तो पेपर्स पढ़ना भी एक आर्ट है ठीक है आज के दिन आप नेट पर डालो कि शुगर इज गुड शुगर इज बैड तो दोनों आपको मिल दोनों मिल जाएंगे तो गूगल की खास बात है गूगल में आपको दोनों मिल जाएंगे ठीक है पर इट इज द वर्क ऑफ अ डॉक्टर और अ फिजिशियन की वो दोनों के अंदर एक बैलेंस बनाए ताकि आपको रिजल्ट ढंग से तो पहले तो सरकम सीजन के में बताते हैं कि करने से साइज बढ़ जाएगा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी कम, जाएगी कम हो जाएगी टाइमिंग बढ़ जाएगा सरकम साइज ग्लान्स लुक्स बेटर सरकम कॉस्मेटिक अपियरेंस बेटर है तो वो उसमें कुछ हद तक ट्रूथ है पर सरकम से पिनाइल साइज कम होता है सरकम सूजन से आपके पेनिस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ये अनट्रू है तो सरकम का डेफिनेटली बेनिफिट्स भी है. है अब जब सरकम के बेनिफिट्स है पर जितने बताते उतने नहीं है पर डेफिनेटली है मतलब अगर आप बोलोगे सच्चाई है सच्चाई सौ परसेंट नहीं है फिफ्टी है पर फिर दूसरा एंगल आता है कि जब आप एज अ हिंदू डॉक्टर आप सब भी बात करते हो अपने चैनल पे पेशेंट से तो यू यू इन इंडिया हैव अ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम बात शुरू हो जाती है मेरे चैनल पे यूट्यूब पे आप देखोगे मैं डालता हूँ बारे में तो नीचे मुस्लिम लिखेंगे देखो हमारे एग्जाम्पल बता गए थे हिंदू बोलेंगे कि डॉक्टर साहब प्रो मुस्लिम है ठीक है तो लड़ाई छू जाती है तो आई हैव टू टर्न द कमेंट्स ऑफ बिकॉज आप साइंटिफिक डिस्कशन कर रहे हो और उसके अंदर ये रिलीजियस बात घुस जाती है वो ठीक नहीं है ठीक बात बीमारी में कोई रिलीजन नहीं होता अब कैंसर दोनों को हो सकता है ठीक है तो अब से कैंसर नहीं होता ये है सरकम के अंदर एचपी नहीं होता वो ट्रूथ है सरकम से आपकी वाइफ को सर्वाइकल कैंसर का चांस कम है वो ट्रूथ है करने से आपको एस टी डी नहीं होगा वो ट्रूथ है उसमें हिंदू मुस्लिम क्या करेगा सच्चाई है सच्चाई है, है नहीं उससे एस नहीं होगा या कम होगा एस मोस्टली नहीं होता अच्छा ठीक है कम तो होता ही होता है हर पीज है क्योंकि बेसिकली क्या है सरकम जो नॉन सरकम साइज पहने से वेट रहता है

नॉट एग्जिस्टेंट है अच्छा आप देखो मुस्लिम कंट्रीज में पेनल कैंसर होता ही नहीं है ठीक है मतलब वो रू देखते नहीं वो और हिंदू और नॉन सकम कंट्री ज्यादा होता है कराने के लिए और ऐसा नहीं कि हर हर नॉन सकमसाइज आदमी बीमारी हो रही है ऐसा भी नहीं है पिनल कैंसर रेयर है कोई वन मिलियन में किसी एक को होता है होता कि इसमें जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते जैसे होता गया क्योंकि स्किन खोलते नहीं है स्किन बंद है आइडली एक आदमी को अपनी स्किन रोज खोलनी चाहिए और उसको क्लीन वाटर से क्लीन करना चाहिए और उसके अंदर कोई स्नेग्मा जमा नहीं होना चाहिए उसमें कोई कट्स नहीं होने चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए आपको टाइमिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको सेक्स में पेन नहीं होना चाहिए तो हेल्दी फोर्स के इज की फोर्स आराम से खुले उसमें कट्स ना हो उसमें रेडनेस ना हो आपकी सेंसिटिविटी ठीक हो आपको अर्ली डिस्चार्ज ना हो और आपको सेक्स में पेन ना हो ठीक है पर अगर आपको सेक्स में पेन हो रहा है आपकी स्किन प्रॉपर्ली नहीं खुल रही है आपको धो नहीं पा रहे हो क्लीन नहीं कर पा रहे हो उसमें स्मेल आ रही है उसमें स्नेग्मा है उसमें रेडनेस है तो ये अनहेल्दी फोर्स है तो अनहेल्दी फोर्स को रखने का फायदा नहीं है तो अनहेल्दी फोर्स निकालने का बेनिफिट है तो बेनिफिशियल भी है ठीक hmm. है hmm. पर फिर भी हमारे many patients, of belief, don't want to the लगता है कि नहीं हम मुस्लिम हो जाएंगे जबकि ऐसा नहीं है ठीक है <laughs> तो से मुस्लिम हो जाते है, हाँ। नहीं, लो, मांते हुंगे, मांते हुंगे, हैं ट्रूथ भी है इफ यू आर फॉर एग्जांपल आई विल नॉट गिव दोट

देखो ये ना कन्फ्यूजन है बेसिकली सेंसिटिविटी किस चीज़ को बोल रहे हो hmm. दो तरह की सेंसिटिविटी होती है पेनिस में एक सेंसिटिविटी होती है आपकी टू टच टच मतलब कि आप टच करो करंट लग रहा है हाइपर सेंसिटिविटी आपने थोड़ा भी पेनिस को खोला आप पैंट नहीं पहन पा रहे हो आप अंडे में टच हो रहा है आपको रगड़ खा रही है आपको जलन हो रही है दर्द हो रही है रेडनेस है दैट इज कॉल्ड टच सेंसिटिविटी दैट इज नॉट गुड ठीक है मैनी पेशेंट्स डोंट लाइक इट एंड दैट इज द क्रिएटर ऑफ पी एम कॉल हाइपर सेंसिटिविटी क्योंकि जैसे आपने बजाना टच किया आपको इमीजिएटली फीलिंग आती है डिस्चार्ज कर जाते हो तो वो बेसिकली होते हैं डेल्टा फाइबर से या पतले फाइबर्स होते हैं पेन फाइबर उसे सेक्टर्स और वो सर्कम्स के बाद चले जाते हैं तो मोस्ट सर्कमसाइज पेनिस में हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती है एक होता है सेंसिटिविटी टू सेक्स औरगैजम आप मेरेटेशन कर रहे हो आपको फीलिंग आ रही है इन्जॉयमेंट आ रही है और आप डिस्चार्ज कर रहे हो ठीक है तो अनसकमसाइज सकमसाइज पेनिस में वो फीलिंग सेम होती है अगर अलग होती है तो सेवेंटी परसेंट जनता सर्कमसाइज है वर्ल्ड में hmm. तो वो लोग सेक्स एंजॉय नहीं कर रहे मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है बट डेफिनेटली सर्कम नॉन सर्कमसाइज में थोड़ा सा ज़्यादा इन्जॉयमेंट थोड़ा वेड इंजॉयमेंट आता है इसलिए आप देखो मास्टरबेशन रोकने के लिए भी सकुम कई बार करते हैं प्रमोट होता है अच्छा। कि जो लड़के मास्टरबेशन कंट्रोल नहीं कर पाते उनको क्योंकि फोर्स किन और जो आगे का जो स्मैगमा है ना अब ये ट्रूथ है नहीं है मुझे नहीं पता ठीक है बट डेफिनेटली इन विक्टोरियन टाइम्स इवन इन ओल्ड लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर सकूम सुजन वॉज कंसिडर्ड एज अ वे टू स्टॉप यंग बॉयज बॉयसवेटिंग बिकॉज इट वुड रिड्यूस देयर कॉन्स्टेंट अर्ज टू यू नो कीप ऑन की इंटरेस्टिंग ठीक है

उसमें मेरा कोई बोलने का मतलब नहीं है hmm. नॉन रिचुअल के अंदर अगर आपको बीमारी है जिसमें आपको कराना ही है सेक्सुअल की बात नहीं कर रहा मैं तो एक होता है कॉस्मेटिकन hmm. कि मैं सेक्स इंप्रूव करने के लिए कराऊँ मैं उसके लिए उसके लिए अलग एक डिस्कशन है वो पेशेंट से करते हैं पर अगर आपको बीमारी है जहाँ आपको स्मेगमा जम रहा है इन्फेक्शन हो रहा है आपको एस हो रहा है आपको एच पी हो गया है जहाँ आप उससे सफ़र कर रहे हो तो वहाँ वहाँ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना सही बात है बीमारी कराना ही पड़ेगा बीमारी कॉस्मेटिक सकमसिजन की सरकमसिजन एंड सेक्स वो डिस्कशन तब आता है जब आपको बीमारी नहीं है मेरे बच्चे आते हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ईयर्स के बिल्कुल फोर स्किन बंद है खुलती नहीं है और वो डिस्कस करते हैं मेरी सेंसिटिटी और ये वो मैं कहता हूँ यार तुमको जरूरत है तुम्हारा पेनिस धुलता ही नहीं है ठीक है मैं कह रहा हूँ फोगेट देंसिटिविटी एंड सेक्स इवन द बेसिक हाइजीन यू आर ट्वेंटी टू ओल्ड यू हैव सेक्स विद अ लेडी

मेरे को लगता है टाइमिंग अच्छा मैं जब मैं, मैं ना पर्सनल उसमें घुसना नहीं चाहता बट जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना कि एवरेज टाइमिंग क्या होती है बड़ा हैरान था कि लिटरली इतनी इतना कम टाइमिंग होता है लोगों का राइट लाइक like कि बहुत ही जल्दी लोग ऑर्गेज़म कर जाते हैं और फिर एक प्रॉपर एंगल होता है पी का जहाँ पर आदमी उससे भी एक एंगजाइटी पकड़ के बैठता है उससे भी उसको एक नामर्दगी की फीलिंग आती है एम नॉट इनफ की फीलिंग आती है जो भी उसको फीलिंग आती रहे वॉट इज़ गुड इनफ टाइम वॉट इज़ प्रीमेच्योर जैक्यशन टेल मी लिटिल बिट कि अगर आदमी में है तो वो कैसे तो सेक्शुअल टाइमिंग भी अगेन एक बड़ा कॉम्प्लीकेट टॉपिक है टाइमिंग नॉट बी डिस्कस ओनली फ्रॉम द द वुमेन्स इज मैंस परसपेक्टिव ठीक है तो आइडली अ गुड सेक्शुअल टाइमिंग इज वन इन विच यू कैन सेटिसफाई अर वुमन सो दैट बिकम्स तो उसका मतलब है कि सेक्ल टाइमिंग शुड डिपेंड अपॉन द वुमन ऑल्सो सो देर आर सम लेडीज हु कैन गेट ऑर्गेजम पेनिट्रेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ठीक है एंड द सम लेडीज हु रिक्वायर लॉट ऑफ स्टिमुलेशन फिर दम लेडीज हुन हुट ऑर्गेजम विथ स्लो स्ट्रोकिंग सम हुआ रैपिड स्ट्रोकिंग ठीक है तो इट कम्पलीटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका पार्टनर कौन है ठीक hmm. है तो एक आदमी जिसका टाइमिंग तीन चार मिनट है hmm. हो सकता है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो एक पर्टिकुलर लेडी के साथ जहाँ उनकी एनेटमी मैच कर रही है उनकी हाइट वेट वजैनल साइज पेनल साइज स्ट्रोकिंग लव ऑर्गेजम मैच कर रहा है और एक लेडी है जहाँ पर वो नहीं मैच कर रहे है और वहाँ पर वो नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा hmm. तो हो सकता है कि उसको ही इज नॉट हैविंग पीएमई विद दिस फीमेल बट इज हैविंग पीएमई विद This hmm. ये एक है. समझ गया मैं एक सीनारियो ये है कि एक हस्बैंड है जो घर पे वाइफ से सेक्स कर रहा है वाइफ सेटिस्फाइड है और नाउ ही इज गोइंग आउटसाइड पार्टनर पैरामोर अफेयर प्रॉस्टिट्यूट वो सकता है वहाँ पर उसका टाइमिंग कम हो क्योंकि hmm. या घर पे नॉर्मल रेगुलर सेक्स हो रहा है दस साल से हो रहा है तो यहाँ वो है वो लड़की नहीं है या वो ज्यादा सुंदर है या ज्यादा डिमांडिंग है या वहाँ वो नहीं कर पा फट के निकल रही है तो वो पीएम ही है नहीं है आप बताओ मैं समझ घर घर पर पी एम नहीं है हमारे रिलेटेड पीएमई है हाँ हा। ये एक सिनेरियो है ठीक है एक सिनेरियो एक हस्बैंड की सेकंड मैरिज हो रही है फर्स्ट मैरिज में वाइफ एक्सपायर हो गई किसी कारण से डाइड हो गई या डाइवोर्स हो गया अब सेकंड मैरिज हो रही है फर्स्ट मैरिज में पीएम ई नहीं था अब दूसरे मैरिज में उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है या उसको ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है या उसकी एज बढ़ गई है अब पहली वाइफ में अब दस साल शादी हो गए थे वो महीने में दो बार सेक्स कर रहे थे अब नई वाइफ आई है उनको सेक्स दिन में दो बार करना है ठीक है तो अब उसको फर्स्ट टाइम नहीं हो पा रहा है सेकेंड टाइम हो रहा है ये एक सिनेरियो है एक सिनेरियो ऐसा है कि जा रहे मिलने कोई आर्मी का है या कोई सोल्जर है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस है महीने में एक बार मिल रहा है तो एक महीना सेक्स नहीं किया जब करते तो बहुत हाइपर हो जाते हैं डिस्चार्ज बट एज बिकम रेगुलर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम चीज़ें ठीक हो जाती है तो क्या वो पी है तो पी एम का डेफिनेशन वेरी वेरिएबल है तो ये सबको सोचते हुए उन्होंने डेफिनेशन बना दिया कि अगर आप एक मिनट तक होल्ड कर पा रहे हो डेफिनेशन में मेडिकल डेफिनेशन है कि अगर आप एक मिनट तक होल्ड कर पा रहे हो तो आपको प्रीमेशलकुलेशन नहीं है ये डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक की पर मैं इसको नहीं मानता मेरा मानना डेफिनेशन होनी चाहिए कि अगर आप अपनी मिसेस को वाइफ को या पार्टनर को अपने अनुसार और उसके अनुसार सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको पीएम है और आपको उसकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और आप और आइडियल टाइमिंग आदमी का होना चाहिए कि जब तक वो चाहे तब तक डिस्चार्ज ना हो अच्छा वो कंट्रोल में हो कंट्रोल में हो तो अगर आप मुझसे पूछोगे हु इज द आइडियल मैन तो आइडियल मैन इज संभड़ी जो दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट जब तक उसकी पार्टनर सेटिसफाई नहीं हो रही या जब तक वो खुद अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तब तक डिस्चार्ज ना हो डिस्चार्ज होने के लिए फिर वो अपने ट्रिक्स अपनाए फास्ट ट्रोकिंग करके निकाले या थोड़ा हाथ से निकाले जैसे भी निकाले पर जब तक वो चाहे वो होल्ड कर पाए वो मेरे हिसाब से एक सही है पर बच्चा करने के पर्पज़ के लिए एक मिनट काफ़ी है हु, ठीक है पर एक मिनट मेरे हिसाब से सही टाइम नहीं है मेरे हिसाब से कोई सही टाइम है ही नहीं पी -E, अगर आप अपने चाहने से पहले डिस्चार्ज हो तो आपको पी एम ई है ठीक है और ऐसा होना नहीं चाहिए आइडल आदमी को कम से कम पाँच सात दस मिनट तब तक कि वो सेटिस्फाई हो जाए और उसकी वाइफ को ऑर्गेजम हो जाए तब तक उसको होल्ड करना चाहिए कई लोग तो डिस्चार्ज प्ले में। हुँ, 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 ठीक है। मेरे तो? को याद है मैंने पहली बार जब मूवी देखी थी अमेरिकन पाए उसमे जिम, जि जिम हाँ छूती है और वो बिल्कुल तो, तो तो तो, जिम तुम्हारा आइडल

सेकंड टाइम थर्ड टाइम वो हो सकता परफॉर्म कर जाता राइट right. ठीक है और उसको एक बार में आपने बेस्ती कर दिया वो जिंदगी भर के लिए घूमता रहेगा मुझे पीएम ही है उसके दिमाग में हो तो दैट देट अ वेरी रॉन्ग थिंग वॉट शी डिड टू हिम ठीक है हो सकता है उसने बदला लिया उससे hmm. कि तू मुझे देख रहा था यू 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 नो आयोरिस्टिकली सींग मी एंड नाउ सी यू आर यू हैव पी एम एंड बहुत लड़कियां करती है ऐसे ठीक है मैनी मैन हु गो टू मसाज पार्लर्स और स्पाज फॉर फर्स्ट एक्सपीरियंस वहा बिकॉज द प्रोस्टिट्यूट

इसलिए कि आप बजाय ना वो हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो बहा खत्म खत्म तो बाई फंक्शन मुझे पता है लड़का एग्जाइटी में है थोड़ा भी उसको थोड़ा भी टॉन्ट मार दूंगी साइज को लेकर या टाइम को लेकर वैसे ही उसका डाउन हो जाएगा हो जाएगा मेरा काम खत्म हो जाएगा इंटरेस्टिंग बात है ठीक है तो मैनी ऑफ दिस गाइज कम बैक एन सेंगर मैं ना फर्स्ट क्राइम के लिए गया था दोस्तों के साथ और मुझे उसने बोला इतना छोटा है उसने बोला कि किसान कोई होता नहीं है दिमाग में घुस जाए और सर मेरे को क्या करूँ मेरे को साइज बड़ा करना है बिल्कुल नॉर्मल है

नेचुरल तरीके क्या है जो दो चीज़ें है पहला तो प्रिवेंशन दूसरा ट्रीटमेंट ठीक है तो एक तो है कि हम किसी तरह से ईडियो पी प्रिवेंट कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो अपने रिस्क फैक्टर्स को मेनटेन करें स्मोकिंग ना करें हार्ट ठीक रखे बॉडी वेट ठीक रखें एक्सरसाइज रेगुलर करें कीगल्स है पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग है बहुत हेल्प करती है रेक्शन में पेनाइल मसाज है बहुत हेल्प करती है ठीक है नेचुरल सप्लीमेंट्स है एलार्जनीन है विटामिन डी है मैंने बताया अपने चैनल पर नो बडी वॉन्ट्स टू सी द चैनल ना मेरे अभी भी बहुत इडेटिंग होता है पेशेंट बोलते हैं कमेंट्स में

you know improve your lifestyle and you have to improve your 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 uh, your uh, exercises and your that is the way to prevent it hmm. and then treatment we, is the next part so pelvic floor training can be you know enhanced to advanced versions pelvic floor training is so basically bridge? not not bridge so huh. basically our entire uh, uh, hmm. so our entire uh, so i have also given exercises huh. for fitness i have given uh, massages i have given uh,

so they can just go through a lot of lot of stuff that we have. We have. so given this skill link, we our best investment plan. Okay. So i've talked about this only. Yeah, if you invest in your own penis, mm. what's a better investment? i think having good sex is the best return. Right, yeah, yeah. you can get. sure. Okay. So, uh, being satisfied with your sex life is very important. It's very important. so yeah. then once you and then the most important thing that you can do today to improve your sex life is stop masturbation. Okay. no fap.

अगर आप कर मास्टिवेशन करो कोई बात नहीं ठीक है अनहेल्दी नहीं है डोंट फील गिल्टी अबाउट इट <coughs> पर वहाँ से आप आ गए इस पॉइंट पे कि मास्टिवेशन हेल्दी है कि मास्टिबेशन इज नाउ स्ट्रेस रिलीफ मास्टरबेशन एक एवरीडे एक्टिविटी मास्टेशन मल्टीविटामिन है रोज इंजेक्शन लगाओ मास्टोबेशन का वो गलत है ठीक hmm. है तो अनकट्रोल्ड मास्टिबेशन डेली मास्टिबेशन इज आपका ड्राइव मर जाएगा आपकी पेनिस में उतनी हार्डनेस आनी बंद हो जाएगी आपके पेनिस में उतनी फुलनेस आनी बंद हो जाएगी आपको यूज बेसिकली इज यूजिंग अ ड्राई हैंड सो यू आर कंपीटिंग अ ड्राई हैंड विद अ वेट पुसी ठीक है सेम यूर गेट यूज टू दॉम्थना इफ़ यूर हैंड इज यूज टू अ ड्राई हैंड ठीक है एंड यू आर डि डेथ क्रिप्स रोम इट इज वेरी कॉमन अभी यहाँ देखोगे वेस्ट के तो लिटरेचर आना शुरू हो गया है कि मास्टर बेशन से प्रॉब्लम है एंड वी हैव टू टर्न गाइज ऑफ फ्रॉम पॉन बिकॉज मल्टीपल पैरामीटर्स पे प्रॉब्लम पर लंबा डिस्कशन हो जाएगा बट आई हैव इट मेनी 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 प्लेसेस कि व्हेन यू आर मास्टरबेटिंग मास्टरबेशन में आपकी कंप्लीटली ऑपोजिट टू नेचुरल सेक्स है आपका जो स्टिमुलस है वो विजुअल है आप ऑन देख रहे हो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो एक लेडी पे आप कॉन्स्टेंटली स्क्रोल कर रहे हो आपको अपने आप को स्टिमला रखने के लिए बहुत सारा स्टिमुलस चाहिए ठीक है एक एक फीमेल से आपका मन नहीं भरता आपको दस फीमेल चाहिए दस तरह के सीनारी चाहिए दस तरह की स्टोरी एक्टिंग चाहिए स्टोरीज चाहिए ठीक है आप फिजिकल वुमेन की नीड्स को पुल नहीं कर पा रहे हो ठीक है सेक्स में आपकी बॉडी सेक्स एक्सरसाइज आपके हिप्स मूव कर रहे हैं थाइज मूव कर रही है चेस्ट मूव कर रही है हैविंग सेक्स विद समी मस में आप पड़े हो तकिए के ऊपर अपने हाथ से हिला रहे हो कोई एक्सरसाइज तो है नहीं उसमें आपके अगर पेल्विक फ्लोर पूरा का पूरा ढुलक जाएगा पेल्विक फ्लोर इज वॉट होल्ड्स योर टेस्टिस एन योर पेनिस एन योर ब्लैडर ठीक है इट विल कंप्लीटली ड्रूप आपको पीएम डर ना स्टूड हो जाएगा यू विल स्टार्ट गेटिंग यूज टू द दॉर्म

सेहत अच्छी रखोगे आपको पता है कि आपको डेटिंग गेम के अंदर प्रेजेंटेबल रहना है बिल्कुल तो मेहनत करोगे ना हाँ हाँ. अगर आपको पता है कि यार डेटिंग के बाद सेक्स शुरू करना है तो सेक्स तो मास्टरबेशन है बिल्कुल मैं दो खत्म हूँ तो आप कहाँ से अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे कहाँ से आप एंड गाइज हुई इन द वर्ल्ड है मोहम्मद uh, uh, अली They talk so much about masturbation. So they practice semen retention before big games. Mm. They have talked. So, the biggest bodybuilders in the world, the biggest athletes in the world talk about the uh, anabolic capacity of nofap. You gain muscle, you gain testosterone, you gain the drive. Okay? And as soon as you masturbate, you lose it. Mm. Most Olympic athletes will not masturbate before the before the big game. Mm. Okay? And your life life's big game? life? big game is to get laid mm -hmm. okay? by getting married okay. or by having sex.

मैं उसे पहली बार ही मिला था और पंद्रह बीस मिनट मेरे से बात करने के बाद उसने मेरे को बताया दी एक्सटेंट ऑफ हिज पॉन एडिक्शन सर वो वर्क फ्रॉम होम ले लेता ले है ताकि कहता है आप तो आप तो वीडियो देखी होगी भैया मैंने बोला हाँ कहता है भैया मैं तो कहानियां पढ़ता हूँ स्क्रोल करते करते रात को तीन तीन चार चार घंटे हमारा हमारे हॉस्टल में बंदा था एक तो ही ही हैड हार्ड ऑफ ब्लैक एनिमल दुनिया भर का है

देर लगे ठीक है बस जी जी रहे है। जी रहे हैं हैं ठीक है सेम विद दिस मास्टर सत्रह साल की मास्टेशन कर रहे हैं डेली दो तो दो तो तीन, तीन तीन बार डिस्चार्ज कर रहे एंड नाउ दे आर गॉन केसेस ठीक है, no, hmm. है? करियर स्मार्ट बंदे थे करियर छूट गया तैयारी कर रहे थे सी जी एल की वो खत्म हो गई उनके दोस्त निकल गए फिजिकल निकाल निकाल के वो पुलिस में चले गया को कहीं चले गया ये लोग बैठे हैं एंड लाइफ इज लाइक रूइंड मास्टर छोड़ते तो लाइफ में कोई प्लेजर नहीं है And ठीक है नाइट फॉल्स उनको डेली हुए जा रहे हैं ठीक है all, you know? नहीं है बट टाइम मतलब अगर तुमने दस साल ये बुरी आते कर ली अब छोड़ के सो इफ यू स्टॉप स्टार्ट इंप्रूविंग योर लाइफ स्टाइल एंड योर डायट एंड योर सेक्शुअल मोटिवेशन थिंग्रूव ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम चार महीने छह महीने दस महीने लगेंगे

अमेरिकन एसोसिएशन के एम थे एज स्पेसिफिक लेवल्स कि 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल में क्या नॉर्मल लेवल्स होने चाहिए वो भी फॉर वेस्टर्न ग्रुप के लिए थे वो मैं नहीं पता कि इंडियन ग्रुप में वैलिड है या नहीं है ठीक है फिर आपने एज के हिसाब से देखोगे तो हमने मैंने एक फॉर्मूला दिया था नाइन माइनस एज तो वैसे थर्टी ईयर्स ओल्ड तो आपका छः होना चाहिए नाइन माइनस एज नाइन और नाइन माइनस थ्री

सेक्स में भी हफ्ते में तीन या चार बार करना है उसके लिए पाँच सौ एक अच्छा लेवल हो तो एट वाट लेवल डू यू रीच द स्वीट स्पॉट वो नहीं पता अभी तक हमें ठीक है।, है आपके गोल्स क्या है आपका मेटाबॉलिक गोल है या एनाबॉलिक गोल है नहीं, नहीं। आपको मसल बिल्डिंग करनी है या सिर्फ हेल्दी रहना है ठीक है तो वो भी डिफाइंड नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ वेरी इवॉल्विंग फील्ड राइट ठीक है बहुत रिसर्च आ रही है इसके अंदर और बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं इंटरनेशनल लोग भी है लोग सुनते भी हैं उनको पर वो उसके अंदर घूम फिर के जो है शिलाजीत पे सब आके बात रुक गई है hmm. ठीक है हर आदमी शिलाजीत के ऊपर प्रमोट कर रहा है ठीक है दे आर बॉडी बिल्डर्स जो दिख रहा है सामने आदमी को कि ये आदमी दिन में दो नेशन ठोकता है हाँ. वो शिलाजीत की बोतल खड़ा होकर हो रहा है ठीक है हाउ विट शिलाजीत कॉज दैट काइंड ऑफ अ बॉडी नहीं नहीं पॉसिबल है ठीक है और वो सबको बोल रहे हैं कि नहीं नेचुरल है आई एव सी सो मैनी बॉडी बिल्डर एथलीट्स तो शिलाजीत बेच रहे हैं शिलाजीत तो टट्टी है मतलब अच्छी शिलाजीत मिलती नहीं है ठीक है कोई गारंटी नहीं है ये कंपनियां बोलते है कि इसमें फ्लूविक एसिड कंटेंट को हम गारंटी कर रहे हैं ठीक है फ्लूविक एसिड एक्चुअली होता ही नहीं है हाँ. ठीक है ये नेचुरल हैब या नहीं है इसमें कोल टार में ला, ला कुछ नहीं पता है ठीक है तो यू डोंट नो द क्वालिटी ऑफ शिलाजीत तो शिलाजीत इज द इजिएस्ट थिंग टू तो सेल स्नेक ऑयल तो कोई भी अच्छे हाँ. ठीक है अच्छी शिलाजीत एक्चुअली हैब या नहीं है क्या वो कोल है कोल रेजर है उसमें क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता और हर आदमी शिलाजीत खा रहा है आज के दिन एवरी बड़ी आई नो इज शिलाजीत अच्छा कि बढ़ जाएगा मेरा शिलाजीत तो बढ़ेगा ट्रॉन शिलाजीत इज बेसिकली मल्टी मिनरल देखो दो शिलाजीत में जो मल्टी मिनरल कंपोनेंट है वो काम कर रहा है ठीक हाँ. है तो टेस्टोश्रॉन बढ़ाने के लिए मैं एक बड़ा सिंपल एडवाइस देता हूँ अपने बनाया इंजेक्शन टीआर टी आर टीआरटी तो डाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू शुड है आपके टेस्टोश्रॉन इज बेसिकली स्टोरॉइड कोलेस्ट्रॉल से बनना है कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद बनाती है लेवर के अंदर तो बाहर से जरूरत नहीं है पर कोलेस्ट्रॉल को स्टिमुलेट करने के लिए गुड फैट लेवल जरूरी है तो अगर आपको ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स और ओमेगा नाइन का गुड बैलेंस है आपके इन्फ्लेमेटरी फैट्स नहीं है जैसे एग योक है वेरी हेल्दी ठीक है आपका देसी घी है वेरी हेल्दी आपका ऑलिव ऑयल है वेरी हेल्दी ठीक है आपका राइस ब्रैंड ऑयल है वेरी हेल्दी आप क्या खा रहे हो अगर बॉडी में क्या जा रहा है ठीक है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर सेकेंड है आपके मल्टीविटाम लेवल्स पूरे है या नहीं है ठीक है फिर दूसरे जो स्टोराइड है द अदर्स द अदर फैट्स विटामिन जैसे विटामिन ए है डी है ई e है इनके लेवल आपके अंदर ठीक होने चाहिए तो जो डाइट आपको कवर कर दे ठीक है।, है फिर ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्पफुल है ड्राई फ्रूट्स तो शुरू से कहते हैं अब ड्राई फ्रूट्स में अब उसमें भी कंपटीशन चलता है कि मैं अखरोट खाऊं या मैं मूंगफली खाऊं या मैं इतना दिमाग नहीं दिमाग ड्राई फ्रूट्स है आप बैलेंस डाइट हो आप रो ना रोज मूफली खानी है मूफली खा लो काजू खा लो बादाम खा लो पीनट्स खा लो अब कहते हैं नहीं नी नट्स खाएंगे पेकरनट इतना महंगा है क्या होता है पैकनट पैकनट चिलगोजा होता, होता, हाँ। होता है होता है, और महंगा चिलगोजा होता है क्योंकि बाहर से आता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैंने देखा है कि न्यूट्रिशन वर्ल्ड में क्या ना ये देखते गई और सस्ती होनी तो नई चीज लेकिन अब अश्वगंधा है अश्वगंधा सस्ता इंडियन है पर अश्वगंधा लगा कि लोग सस्ता हो गया सबको मिलना शुरू हो गया तो उसको ले आए हॉर्नी वीड को वो सेम ही है पर वो महंगा है ठीक है अश्वगंधा

दूध पीना शुरू कर दे थोड़ा प्रोटीन बढ़ा ले ठीक है थोड़ी एक्सरसाइज उतनी तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ठीक है और पैकन नेट खाने से क्या हो जाएगा सही बात है ठीक है तो अपने हिसाब से तो डाइट अच्छी है बट डाइट अपने हिसाब से डोंट गो फॉर फैट्स ठीक है सेकेंड है स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप आपके सारे हार्मोन ठीक करता है अगर आप ढंग से तो स्लीप में मैं कहता हूँ स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे सोना सेम टाइम पे सोना आजकल प्रॉब्लम क्या है कि कभी एक बजे सो रहे हैं कभी बारह बजे कभी दो कभी तीन तो योर बॉडी क्लॉक सेट्स होती है तो बॉडी क्लॉक होती है कि बॉडी डिसाइड करते है कि हमें इस टाइम पे ये चीज़ रिलीज करनी है सेम फॉर फूड आल्सो तो योर बॉडी एंटिसिपेट कि भाई मेरे को बारह बजे खाना मिलेगा तो मैं ग्यारह बजे से इंसुलिन बनाना शुरू कर दूँ और मैं इंजाइम छोड़ना शुरू कर दूँ तो मेरे को बारह बजे खाना आने वाला है अब आपने बारह बजे खाना खाया नहीं आप तीन बजे खा रहे हो तो क्या वो सारा जो वेस्ट हो गया नेक्स्ट टाइम बॉडी कहती है यार ये आदमी छोती है खाना कब खाए पता नहीं नहीं मैं mm. ठीक है सेम वो टेस्टोरेंट mm. तो बॉडी रियलाइजेस की आदमी टाइम पर सो नहीं रहा है पूरी दिन ले नहीं रहा है इसका सुबह का टाइम डिस्टर्ब है तो नाइट शिफ्ट वर्कर्स आप देखो कितनी गुड़गांव में फरीदाबाद में नोएडा में बॉम्बे में नाइट वाले जो है जो रात को काम कर रहे हैं देआर बॉडी क्लॉक इज क्लॉकलीस्ट राइट ठीक है क्योंकि उनको पता ही नहीं वीकेंड्स पे वो डे डे वर्कर्स है वीकडेज पे वो नाइट वर्कर्स है उनके जिम का फ्रीक्वेंसी पता नहीं उनकी स्लीप का पता नहीं ठीक है तो आपकी बॉडी कैसे बनाएगी हार्मोन, ठीक है आप कब जिम जा रहे हो आप कब उठ रहे हो कब सो रहे हो कब आप आप में सेक्सुअल अर्ज कब आएगा आपका टेस्टोस्टेरोन कब पड़ेगा तो गुड फिक्स्ड टाइम स्लीप विथ एडिक्वेट सन एक्सपोजर दिस इज कॉल्ड गुड स्लीप क्या आप सुबह उठ के कम से कम पाँच दस मिनट सूर्य रोशनी चाहे तो थोड़ी नमस्कार करो चाहे उसमें एक्सरसाइज करो धूप में, हाँ। में बैठ के थोड़ा सन को देख ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो मॉडर्न साइंस भी बोलती है और भी बोलती है। आपका बनता है, है, e है टेस्टोसोन बूस्ट होता है ठीक है और छह सात घंटे की फिक्स नींद आप सो छह घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं है छे घंटे क्लीन स्लीप होनी चाहिए आजकल क्या सो तो रहे बारह बजे पर स्क्रोलिंग डेढ़ बजे खत्म होती है ठीक है ब्लू स्क्रीन सिंड्रोम बोलते हैं ना आप इंस्टाग्राम देख रहे हो इंस्टाग्राम बंदी आ रही थोड़ा एक बार मुठ में मार ली फिर उसके बाद फिर वो ब्लू स्किन से नींद भी पूरी नहीं हुई सो गए ठीक है उसे गंद में सो गए नहाया भी नहीं ना क्लीन किया ना हाइजीन मेंटेन किया बस वो सुबह उठे थोड़ा क्लीन किया फिर सुबह अपने ऑफिस भग लिए ठीक है फिर आप दो घंटे मेट्रो में बैठे हो ठीक है बैठ के वही इंस्टाग्राम चल रहा है फिर आप ऑफिस पहुँचे बॉस की गाली सुनी शाम को छः बजे आए डाइट पर आपने समोसे खाए गंदा कैंटीना खाना खाया फिर आप घर आ गए

एंड ही देन सेज आफ्टर टू months डॉक्टर साहब आपकी दवाई ना जब तुम्हें खा रहा था तो ठीक था दवाई बंद की ना फिर से प्रॉब्लम आ गई तो मैंने आज के तुम तुमने क्या चेंज किया अपनी लाइफ में क्या तूने एक्सरसाइज स्टार्ट करी नहीं करी क्या तूने डाइट ठीक करी नहीं करी क्या तूने नींद पूरी ली नहीं ली क्या तूने अपनी मास्पी जो छोड़ी नहीं छोड़ी तो देन यू हैव नॉट चेंज एनी थिंग इन योर लाइफ वॉट डू एक्सपेक्ट फॉर मे मेडिसिन मतलब आई एम नॉट जीजस क्राइस्ट राइट ठीक है आई कैन गिव यू होली वॉटर राइट एक बहुत एक्टिव ट्रेंड और एटलीस्ट मैंने आपके चैनल पे भी देखा मैंने जनरली भी देखा है लोग ये जानना चाहते हैं फौलादी पावर कैसे आए मर्द ये जानना चाहते हैं हाउ डू यू गेट सुपर स्ट्रांग एट सेक्स और उसके लिए कोई चार पांच चीजें कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल कुछ ऐसा कर दे जिससे सेक्स लाइफ बेटर हो जाए और हम सेक्सुअली स्ट्रांग हो जाए उस पर फ्केटिंगलीस hmm. like hmm. uh, it hmm. like दिख रही है उसी को ट्रांसमिट कर दिया है। है? फट रहा है, हाँ. फट रहा है हाँ. ऐसा पेनिस होता नहीं है नहीं होता किसी का भी नहीं होता दे टू फाड़ोजरा ठीक है वगैरा खाओ अब हो ये रहा है कि लोग फुलाद के चक्कर वायगे खा रहे एन द ईट वायगरा दे गेट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन दे लाइफ लॉन्ग कीप क्रेफिंग फॉर इट इट्स लाइक आपने ज़िंदगी में एक बार फरारी चला ली और आपको मरते समझ नहीं आ रही ठीक mm -hmm. है आपने चला ली बेस्ट कार वर्ल्ड की और अब आप आपको बोलते हैं कि नहीं यू ड्राइवर टोयोटा टू वो तो ड्राइव इट नहीं आपको वही चाहिए अब वो नहीं मिलेगा वायगरा के बिना वायगरा खानी पड़ेगी सो so, आपके एक्सपेक्टेशन गलत सेट हो गए ठीक है आपको फर्स्ट सक्स हो नहीं रहा था आपने वागरा खा ली आपका बहुत साक्स हो गया आप पहले चार घंटे खड़ा रहा आपने तीन राउंड लगा लिए आपने डिस्चार्ज कर लिया आपकी वाइफ वो गर्लफ्रेंड ने हाथ जोड़ लिया कि यार तू बहुत बड़ा आदमी है अब नेक्स्ट टाइम आप बिना वगैरह खाए गए तो आपका हो ही नहीं रहा है या हो रहा है तो वो एक बार जो नॉर्मल होता है वही हो रहा है hmm. अब आप कह रहे हो नहीं मुझे फुलादी बनना है तो अब फिर वगैरह खा ली ना यू एडिक्टेड वैगरा वैगरा वागरा वगरा जब वगैरह नहीं खाओगे तो आपको लगता है वो नॉर्मल नहीं है hmm. तो आपने नॉर्मल को नॉर्मल मान लिया और आपकी नॉर्मल जो है जो नॉर्मल एक सेक्स होता है वो नॉर्मल सेक्स आपके लिए हेल्दी है ही नहीं ठीक है तो द रिक्रिएशनल यूज ऑफ सिडनाफिल रिक्रिएशनल यूज ऑफ दिज पी डी फाइविटा दैट इज द प्रॉब्लम ठीक है तो रिक्रिएशनल यूज कर रहे हैं लोग और ठीक है अच्छी बात है सेक्स इन्जॉय करना चाहिए अवेलेबल है ठीक है बट आई डोंट थिंक इट इट इज इज ऑल राइट बिकॉज आप एक्सपेक्टेशन गलत सेट कर रहे हो ठीक है लिए भी सामने वाले के लिए दोनों भी। के लिए और आप फिर उसके लिए इससे अडिक्ट हो रहे हो और आप वा, जिसने वगैरह खाइए ना उससे पूछो इट नॉट अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस अच्छा ठीक है तो ऐसा नहीं कि वगैरह खाने वाले बहुत खुश है लोग कहते हैं ना सर क्या बोला मैं वगैरह खा लो खाने दोनों लोगों को खाने खा रहे हो जो बंदा कहता है ना वाइगरा बहुत हेल्दी है उसको आप उसका आप आई इन्वाइट टू कॉल समबडी ऑन योर वीडियो लॉग एंड जस्ट फॉलो हिम फॉर फोर्टी एट आवर्स ठीक है वायगरा गिव्स अ टेरेबल हेड एक पोस्ट हेड एक होगा पिछवाड़े में दर्द होगा पैरों में दर्द होगा मोटिवेशन लॉस होगा वीकनेस रहेगी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वायगरा से जो आपका एडेक्शन इतना ज्यादा रहा जब वायगरा फैट वेयर ऑफ होगा तो पेनिस एकदम श्रिंक हो जाएगा उल्टा जाएगा उल्टा जाएगा तो इट बिकम लाइक आर किशमिश आफ्टर थ्री और फोर डेज फाइव डेज

ये, ये थोड़ी थोड़ी ना चलती है कि बुखार होगा नहीं खाता थोड़ी है कोई वो। है तो हाँ। मैं बीपी ने बीपी की दवागी दवागी, नहीं खाओगे आपको शुगर ने शुगर खाओगे नहीं खाओगे हाँ। पर आपको इलेक्शन ईडी नहीं है ईडी की दवाई खाओगे तो जो खाओगे तो नुकसान तो कुछ ना कुछ तो होंगे ठीक है तो ये नुकसान जो है ना ये साइंटिफिकली स्टडीड नहीं है किसी बुक में लिखे नहीं है पर एज एंड्रोलॉजिस्ट यू सी दम एवरी डे ठीक है तीन चार बार वाइगरा काम नहीं कर रही है हाँ, और हाँ, वायग्रा हाँ। तो से और नुकसान हो गया पहले फिर भी बिना वगैरह खड़ा तो हो रहा था अब तो वगैरह के बिना खड़ा ही नहीं होता अब उन लोगों को वगैरह से डाउन लाना पड़ता है तो वो टाइम लगता है उसके फिर उसके लिए एक पूरा कूल ऑफ़ पीरियड है कूल ऑफ पीरियड करो उसको फिर नो फैप पर डालो उसको पनाइल मसाज पर डालो उसको फिर और एंगजाइटी में जाते हैं फिर अब क्या है मेरे को दवाई दूंगा वन मंथ की वन मंथ लगेगा मैक इन टेन डेज सर कुछ हो नहीं रहा अरे दस दिन ही हुआ है बस हो जाएगा सर कुछ हो नहीं रहा अब कुछ हो नहीं रहा कुछ हो नहीं रहा कुछ हो नहीं रहा तो फिर वो क्या है वो अब वो कुछ हो नहीं रहा ये नहीं मेरे पास ही कर रहे होंगे देर गो टू फाइव डॉक्टर्स

वेरी इंटरेस्टिंग तो दे आर कमिंग आउट दिस न्यू थिंग इन द मोस्ट प्रोबली थ्री मंथ्स में हो जाएगा ये तो यूट्यूब टू बी इफ़ यू वॉन्ट टू पुट मेडिकल कंटेंट आउट तो यू हैव टू अज योर लोकल रिजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी उन्होंने यू एस कनेडा में लॉन्च कर दिया तो इफ लुकेट कैनाडन चैनल नाउडेज तो नीचे मैसेज आता है कि दिस दिस डॉक्टर इज लाइसेंसड बाई कनेडियन यूरोजी बोर्ड या डॉक्टर इज लाइसेंसड बाई सो यू हैव टू गि लाइसेंस अकोर्ग टू लॉन्च दिस इंडिया ऑल्सो तो वेरी सून फॉर गिविंग आउट मेडिकल एडवाइस यू नीड टू हैव अ मेडिकल डिग्री

तो आर फोर फादर मिलियन थ्योरी में like रिलेटेड होता है तो क्या फर्क पड़ रहा था हो रहे है, हो रहे है। इंडिया के अंदर मल्टी मिलियन डॉलर ब्रांड और मेरे हिसाब से ऐसे कम से कम चार पांच और फर्टिलिटी के मल्टी मिलियन डॉलर ब्रांड इंडिया में आ जाएंगे इन फर्टिलिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा राइस पे स्पॉमकॉन डेफिनेटली फॉलो रहे है और पोमकॉन फॉलो मेरा पर्सनल मानना है ग्लोबल वार्मिंग तो एग्जाम्पल है hmm. मेरे जो तो पर्सनल पांच रीजन है वो है लेट मैरिज ठीक hmm. है बच्चे लेट कर रहे हैं लोग पहले एवरेज टाइम टू तो है चाइल्ड हॉस्ट एटीन टू नाइनटीन फिर ट्वेंटी ट्वेंटी वन हुआ फिर बाईस तेईस चौबीस अब तीस साल के बाद भी बच्चे नहीं कर रहे hmm. जितना आपकी एज बढ़ेगी बच्चे मुश्किल hmm. होंगे सेकेंड है हाई स्ट्रेस वर्क इन्वायरमेंट्स ठीक है हम लोग स्ट्रेस में काम कर रहे हैं मेरे रिसेंटली एक पायलट आया था इंडिया को वो कहता था मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है मैंने कहा वे यू लैंड अ प्लेन यू आर स्ट्रेस्ड कह रहा तो हाँ हाँ सर उस ट स्ट्रेस होता है मैं तो कितनी बार दिन में लैंड करता हूँ अगर तीन बार लैंड करता हूँ तो एवरी टाइम गोइंग टू हाई कार्टेस्टल स्टेज ठीक है एंड देन एवरी टाइम द टाइमस्टोल राइज इट टेक्स ऑलमोस्ट थ्री डेज फॉर इट टू कम डाउन एंड यू आर डूइंग दिस प्लेन लैंडिंग टाइम्स इन 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 मंथ टाइम्स गोइंग टू हाई टाइमस्टोलोल स्टेज तो आपका आपकास्ल बढ़ेगा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा सेम डॉक्टर मैं सर्जरी कर रहा हूँ mm एवरी -hmm. टाइम ऑपरेटर पेशेंट आई इन हाई कार्टिस्टोलॉल स्टेज एवरी टाइम यू डूइंग दिस पॉडकास्ट यूर इन कॉर्टेस्टोलोलोल स्टेज एवरी टाइम दिस गाई रिकॉर्डिंग इट तो आर वर्क इनवायरमेंट हाई स्ट्रेस राइट पहले फार्मिंग होती थी खेत जोत दिया अब तीन महीने बैठना है hmm. ठीक है तो हाई हाई स्ट्रेस एनवायरमेंट पुअर डाइट एंड कंटेम डाइट हम लोग जो ये फूड फार्मर बताता है और बाकी लोग बताते हैं कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स शुगर हाई फ्रुक्टोज प्लास्टिक माइक्रो है दिस इज किलिंग अस राइट ठीक है रेडिएशन एक्सपोजर रेडिएशन बहुत है ये सेल टावर रेडिएशन सोलर रेडिएशन साउंड पोल्यूशन सी ये प्लेन उड़ रहे हैं ऊपर ये डैमेज कर रहे हैं ठीक right. है और फिफ्थ पुअर वाटर तो पानी हम ड्रिंक कर रहे हैं ठीक है सो so ये पांच तो सामने है ही hmm. उसके अलावा आई थिंक कुछ ना कुछ इनका भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा मेरे को डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं ठीक hmm. है तो आई थिंक इसकी वजह से आई एम स्पर्म काउंट सींगक एनी थिंग मतलब मेरे पास तो इतने पेशेंट्स आते हैं हमने टाइम पे बच्चे कर लिए शायद एम के बाद ही कर लिए थे पर अभी मुझे लगता है कि अब तो मतलब मुश्किल हो रहा है मतलब आई सी पेशेंट्स लाइक इन टन Low है, zero has, पहले इतने, होते नहीं थे, इतने ज़्यादा हो गया इंडिया में फर्टिलिटी है है। तो really मेरा एडवाइस है कि बच्चे टाइम पे कर लो तो बच्चे टाइम पे करने लगे शादी करनी पड़ेगी शादी करना चाहता नहीं कोई आज के दिन लोग कहते हैं अभी तो जिंदगी जी ले तो फिर मेरे को लगता है और बच्चे गोद लेने पड़ेंगे या फिर जो भी होगा देखें जो सरकार सोचेगी पर यह है कि हमारे को तो वैसे भी रिक्वायरमेंट है हम तो एक अनऑफिशियल वन चाइल्ड रूल पे आ रहे हैं जैसे चाइना में आया था पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप धीरे धीरे कम हाँ मैं समझ गया कि कम वो कम अपने आप कल्चरली हम सोच रहे हैं कि बहुत नहीं कर रहे बिल्कुल तो वो हो जाएगा मैं मेरा सर फंडामेंटली जब मेरे बराबर के लोग मेरे से पूछते हैं ना इस बारे में मैं कहता हूँ डाइट स्लीप एक्सरसाइज

नाइन्टी परसेंट ऑफ जनता टाइम फॉर डायट स्लीप एंड एक्सरसाइज ठीक है आप बताओ ना मतलब जो एक पंद्रह बीस पच्चीस तीस हज़ार चालीस हज़ार वाला एम्प्लॉई है उसको रगड़ती है कंपनी नौ बजे से नौ बजे की ड्यूटी है सुबह गुड़गांव में काम कर रहा है दिल, आ रहा दिल्ली के जनकपुरी से है ठीक है डेढ़ घंटा तो टैक्सी में आता है रात को डेढ़ घंटे बाद घर पहुँचता है ठीक है दस से बारह घंटे की ड्यूटी एवरेज ड्यूटी इंडिया के अंदर संडे सैटर संडे वाला ऑफ सिस्टम खत्म हो गया ओवर टाइम भी कराता है ठीक हाँ है मैं कह रहा हूँ फोर्टी थाउजेंड तक कमाने वाला आदमी तो नौकर है हाँ स्लेव लेबर है ठीक हाँ है हाँ आज के दिन जिसका अपना घर घर मकान है जिसके पास अपनी गाड़ी है जिसके पास टाइम है एक्सरसाइज करने का आई थिंक वो रिच में आता है हुँ, 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 वो, वो, अप, वो अपर मिडिल क्लास में आता है सही बार, सही बात बात ठीक है आज के दिन जिम जाना कोई जिम तो दो जा सकते सह हैं जिम इस टाइम टू पीपल जिसके पास कोई काम नहीं है फैमिली मनी है या या जिसके पास बहुत ज्यादा काम है एंड को किसी और से काम करवा रहा है ठीक <laughs> है आज के दिन अगर जैसे हम डॉक्टर्स हैं, <laughs> हम तो मतलब वी आर ग्लोरीफाइड लेबर ठीक है मैं खुद मरीज देखने खुद जाना तो आई स्टार्ट माई वर्क इन द मॉर्निंग एंड नाइन वर्क इन द नाइट ट्व पर्सनली मैराथन आई रन हाफ फुल डुल्सो बट इन द पास एट ईयर एंड माई वर्क एन माई हेल्थ तो मैं तो खुद कहीं पर सोचता हूँ

हाँ अबाउट कॉन्वर्सेशन लाइक दिस एंड इफ यू थिं प्रखर आई लाइक टू लिसन टू मोर कॉन्वर्सेशस देन आई मस्ट टेल यू देर इज अब्सक्राइब बटन राइट हिर एंड अ बेल आईकॉन राइट नेक्स्ट टू इट एंड इट्स योर मॉरल ऑब्लिगेशन टू प्रेस दट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड आई सी यू अराउंड फॉर मोर जस्ट लाइक दिस